हेलो बेटा मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ आप सबको क्लियरली ऑडिबल हूँ यस गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू मुझे बताइए सभी क्या क्लियरली मैं ऑडिबल हूं सबको यस सभी कहिएगा यस सर क्लियरली ऑडिबल यस सर परफेक्ट परफेक्ट गुड आफ्टरनून चिराग रवि अनुजा वर्षा चेतन पुनी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू चलो यहाँ आज का हमारा जीएसटी का पहला सेशन है स्टार्ट करते हैं सब रेडी हो जीएसटी के फर्स्ट सेशन के लिए यस और नो Well, yes. तो सबसे पहले मैं आपको सभी को ये कह दूं कि ये जो सेशन है ये सी ए इंटर मैं सभी स्टूडेंट जो ज्वाइन हुए हैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा ये जो सेशन है बेटा ये सी ए इंटर रेगुलर कोर्स फॉर मे ट्वेंटी आई रिपीट फॉर मे ट्वेंटी वन और नोवेबर ट्वेंटी वन के लिए है तो जो भी यहाँ लाइव कनेक्टेड है वो सब ध्यान दें ठीक है तो जो भी फाइनल के स्टूडेंट ज्वाइन हुए है अननेसेसरी पे हम ना करें इस पे कोई क्वेश्चन ना पूछे मैं कोई आंसर नहीं देने वाला हूँ यह हमारा रेगुलर सेशन यहाँ स्टार्ट हो रहा है दूसरा मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि जो सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं मैं फिर से कहता हूँ कोई स्पैम ना करे यस सनी सिंह ओके जो भी अमेंडमेंट्स है वो बाद में आएगी इसलिए कोई प्लीज पैन ना करें ना नेक्स्ट यहाँ पे आ, जो भी इंटर के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सेशन कर चुके हैं तो उन वो भी इस अभी सेशन को ना ज्वाइन करें प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है और अननेसेसरी बार बार कोई भी क्वेश्चंस पूछ के ओके यहाँ पे अपने क्वेश्चंस ना बढ़ाइए दूसरी बात मैं आपको ये कह दूं कि यहां मैं जो भी आपका आज के डिस्कशन से रिलेटेड डाउट्स हो गए क्वेश्चन हो गए वो डाउट्स और क्वेश्चन एंड में लूगा इन बिटवीन अगर मैंने कोई सवाल पूछा तो ही मैं स्क्रीन की तरफ देखूंगा कि आपका आंसर क्या है अदरवाइज आपके अननेसेसरी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं यहां पर नहीं दूंगा okay, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड हमारे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड पेपर okay, से रिलेटेड जो भी ऐसे डाउट हो वो सब एंड में देखेंगे अभी हम सब्जेक्ट से रिलेटेड ही डाउट्स यहां पे डिस्कस करेंगे ठीक है यस और नो कम यस और नो ठीक है चलिए तो अब बेटा यहां पे यस। सेशन स्टार्ट करने के पहले जीएसटी जीएसटी का सेशन स्टार्ट करने के पहले मुझे आपके पांच से दस मिनट चाहिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स uh, की क्वेरीज आ रही है रिगार्डिंग टू सीए इंटर लाइव क्लासेस रिलेटेड मेरा सब्जेक्ट जीएसटी या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज आ रही है तो मैं आपको एक बार ये दस मिनट में सभी चीजें मेरे सब्जेक्ट रिलेटे, से रिलेटेड स्पेशली स्पेशली जीएसटी आईडीटी से रिलेटेड मैं हर बात आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा सो दैट लेक्चर से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स और क्वेश्चन नहीं रहेंगे ओके okay, तो हम स्टार्ट उससे करेंगे और फिर बाद में हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ओके okay, तो चलिए स्टार्ट करें यस और नो सो so, दोस्तों गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मैं तीनों इसलिए कह रहा हूं कि वैसे तो अभी आफ्टरनून है पर कोई अगर सेशन ये रिकॉर्ड होने के बाद इवनिंग में देखे या कल मॉर्निंग में देखे तो उनको भी मेरी विशेष है ओके okay, तो दोस्तों यहां पे, आ, सभी खाना खा चुके हैं यस और नो खाना खा लिया सभी ने स्टार्ट करे अच्छा अभी तो खाना खा लिया होगा हल्की हल्की नींद आ रही होगी घर में बैठे होगे एसी चालू होगा फैन चालू होगा ओके ऊपर डरो मत ओके यहाँ मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छा और मेरी मधुर आवाज़ आपकी नींद उड़ा देगी आपकी नींद उड़ा देगी तो डोंट वरी फॉर दैट यस दूसरी बात घर पे एक काम करना आपके मम्मी पापा को दो मिनट बुलाना ओके इसलिए बुलाना कि कि मैं उनको ये ध्यान दो अगर नींद आई ओके तो इसको दो खींच के देना मजाक में कह रहा हूं बेटा नालायक हमें अच्छे से पढ़ना है आर यू रेडी जोर से बोलो जोर से बोलो हाँ ओके जय माता दी तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओके यहाँ पे और आपके पास बिल्कुल मोबाइल मत रखना बिल्कुल मोबाइल मत रखना नहीं तो बेटा आ, ओके यहां से घुस के ना दुख खींच के दूंगा और कंप्लेंट भी करूंगा आपके मम्मी पापा को आप तो अभी घर पे ही हो ना ओके तो मैं आपके मम्मी पापा को जरूर कहूंगा कि मोबाइल आपसे ओके ले लो तो यहाँ स्टार्ट कर दे चलो कुछ आपके डाउट्स और क्वेश्चन हमारे सेशन से रिलेटेड हो सकते हैं तो ये डाउट और सेशन में यहाँ कवर कर लेता हूं ओके फिर हमारा डिस्कशन एक ब्यूटीफुल डिस्कशन ओके जीएसटी पे हम स्टार्ट करेंगे चलिए दोस्तों ओके आपका पहला क्वेश्चन आ सकता है ओके Sir, how is your new classes are designed for May 21 or November 21 exam? तो मैं आपको यह कह दूं बेटा ये जो नए क्लासेस हैं ये विद ऑल अमेंडमेंट्स है अमेंडमेंट्स के बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे कि आपको अमेंडमेंट्स कैसे अप्लीकेबल होती है आपको किस दिन तक की अमेंडमेंट्स और होती है मेरे बुक्स में मैंने किस तरह से सभी अमेंडमेंट्स कवर कर लिया है इसके बारे में हम बात करेंगे तो ये कोर्स जो डिजाइन हुआ है कंप्लीटली मे ट्वेंटी वन एज वेल एज नवंबर ट्वेंटी वन एग्जाम दोनों के लिए कि कोर्स डिजाइन हुआ है इसमें वो स्टूडेंट जो अभी फाउंडेशन को अपीयर हो चुका है और को लगता है कि भाई मैं पास हो जाऊंगा तो अपना टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि शायद हो सकता है शायद हो सकता है कि आपको आने वाला मे ट्वेंटी वन मिल जाए आई रिपीट शायद हो सकता है अभी तक तो कंफर्मेशन नहीं आया है और आने वाला मे जाए और अगर मे ट्वेंटी आपको मिल गया हमारे इंस्टीट्यूट ने अलाउ कर दिया तो एटलीस्ट आप एक ग्रुप तो भी दे पाओ यह जो डायरेक्ट एंट्रीज है वो ये दे सकता है या फिर बेटा जो ऑलरेडी ग्रुप टू को अपीड हुआ है और अभी तक तो ग्रुप वन उसने नहीं दिया है वो स्टूडेंट्स भी ये कोर्स कर सकते हो इसमें सभी अमेंडमेंट जो मे ट्वेंटी के लिए होगी हमारे बुक्स में कवर्ड है और नवंबर ट्वेंटी के बारे में मैं थोड़ा आगे बताऊंगा ओके तो ये कंप्लीटली इस तरह से डिजाइन किया गया किया गया है नाउ अब आपका एक सवाल जरूर होगा ओके okay, तो अभी अभी मैं वर्बली बता दे रहा हूं आगे मैं आपको लिखकर बता दूंगा सर ये बताइए कि ये कोर्स में कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स होते हैं ओके होते हैं एक सेशन तीन से साढ़े तीन घंटे के बीच में होता है लेकिन हमारा जो अभी डेमो सेशन हो गया वो डेढ़ डेढ़ घंटे के चलेंगे तीन साढ़े तीन घंटे के नहीं चलेंगे लेकिन जब भी आपके पास रिकॉर्डेड सेशन आएंगे या ऑनलाइन डाउनलोड मोड में सेशन आएंगे बेटा ओके तो यहाँ पे ये जो है थर्टी फाइव होते हैं जीएसटी के और यहां नेक्स्ट जो है टोटल नंबर ऑफ आवर्स अप्रोक्सिमेटली जो है हंड्रेड टू हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड टू हंड्रेड एंड फाइव आवर्स का हमारा पूरा जीएसटी का सेशन होता है इसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा क्योंकि देखो सी ए इंटर होने के बाद आप जब ऑफिस ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले ऑफिस में आपको क्या पूछा जाता है बोलिए क्या पूछा जाता है सबसे पहले आज अगर बात करें तो ऑफिस में आपको पूछा जाएगा किसका नॉलेज पूछा जाएगा ओके यहां जीएसटी का नॉलेज जरूर पूछा जाएगा आपको यह पूछा जाएगा कि भाई जीएसटी पता है क्या Okay, तो आप कहोगे हां पता है अच्छा तो ये बताओ कि आपने आ, ये पढ़ा है कि आपने कहा हाँ ये सर पढ़ा है बहुत इजी है तो हमें पूरा याद है तो आपके बॉस आपको पूछेंगे कि ये क्लास होने के बाद जब ऑफिस ज्वाइन करोगे आर्टिकलशिप में तो बॉस आपको पूछेंगे ये बता यार तुझे इतना सारा पता है क्लास किसके पास लगाया था ओके <laughs> <laughs> okay, मैंने मेरा नाम तो लिया, <laughs> कर रहा हूँ तो आप डेफिनेटली अब मेरे से ऐसा पढ़ोगे कि आप अपने बॉस को बताओगे कि सर ये ऐसा नहीं ऐसा है आपका बॉस कहेगा अच्छा ओके बेटा मुझे पढ़ा रहा है तो यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो बेटा जीएसटी डेफिनेटली आपको जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑफिस में इसलिए मैंने यहां पे पढ़ाने वाले तो कोई एटी आवर्स में भी पढ़ाते सेवेंटी आवर्स में भी पढ़ाते पर मैं आपको इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा एग्जाम तो दूर की बात यार एग्जाम में तो हम फोर्टी में से थर्टी फाइव तो ले ही लेंगे ओके थर्टी फाइव कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है लेकिन जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच से ऑफिस में जाओगे ना तो देखना यार आप अपने आप को अलग पाओगे सबके पूरे भीड़ में ओके okay, पूरे जो जितने भी एम्प्लॉय और आर्टिकल्स हो उसमें अपने आप को अलग पाओगे अगर आपने मेरे साथ क्लास किया होगा तो यहाँ पे ये था बेटा तो लगभग हमें 35 सेशंस लगेंगे एप्रोक्सीमेटली 100 टू 105 आवर्स लगेंगे उसके बाद में यहाँ पे अ अ youtube लाइव पे आपका एक सवाल होगा और वो सवाल ये होगा कि सर ये जो youtube लाइव पे आप डेमो लेक्चर ले रहे हो ये कितने लेक्चर्स हो गए और बाकी लेक्चर्स हमें कैसे मिलेंगे मैं आपको ये बता दूं यूट्यूब लाइव पे जो लेक्चर्स हो गए ये हमारे डेमो लगभग मैं कहूँ तो सेवन लेक्चर्स हो गए एक लेक्चर डेढ़ घंटे का होगा तो अभी सिक्स टू सेवन लेक्चर्स हो गए ये डेमो है जैसा मैंने लास्ट सेशन में भी बात की थी और अभी भी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये डेमो लेक्चर्स जो है बेटा कि बस इसलिए कि आपको समझ जाए कि जीएसटी कैसा है कैसे लाया गया मैं कैसे पढ़ाता हूँ ओके और, और आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए आपको भी मजा आए ओके इसलिए डेमो लेक्चर लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका थर्टी फोर्टी सिलेबस यानी एटलीस्ट डायरेक्ट टैक्स का एक हेड तो भी हो जाना चाहिए सैलरी

अब आपका एक सवाल आ, आता है कि सर बाकी के रेस्ट ऑफ द क्लासेस कब हो गए तो रेस्ट ऑफ द क्लासेस ओके यहाँ पे आपको अभी डेट बता देता ऑफ़ तो फेब okay, लेट कर लिया तो ये मत समझना कि समझेगा नहीं ओके okay, ये मेरी गारंटी है कि आपको एक एक चीज समझ जाएगी लेकिन बेटा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी बढ़ती है ना जीएसटी समझने को आपको जीएसटी इनकम टैक्स का डायरेक्ट टैक्स का कुछ

रिपीट मार्च एंड तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा छुट्टी वुट्टी पकड़ के जो भी है ओके तो मार्च एंड तक अगर आपको गलती से मे ट्वेंटी वन अटेम्प्ट आ गया स्पेशली फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं या किसी भी स्टूडेंट्स का मे ट्वेंटी वन अटैम्प्ट आ गया तो बेटा मैं कहूँगा कि क्लासेस अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं डेमो लेक्चर्स या कुछ कुछ फैकल्टीज तो अपने ओके तो, यहाँ पे कंटिन्यू में लेक्चर ले रही है तो ये लेक्चर कंटिन्यू में रहने दो आई रिपीट ये लेक्चर्स कंटिन्यूटी में रहने दो क्यों क्योंकि अगर आपका इतना पोर्शन भी हो गया ना तो मार्च तक आपका ग्रुप वन बहुत से हो जाएगा तो अप्रैल में रिविजन करके आप मे ट्वेंटी वन दे पाओगे। अगर आपको आप एलिजिबल हो जाते हो अब तो ये इंस्टीट्यूट से पता चलेगा और अगले महीने में पता चलेगा कि यहाँ पे रियली हमें आ, कि इतने रियली आपको मे ट्वेंटी वन आएगा या नहीं आएगा बाकी नवंबर के लिए तो जो अपियर हो रहे हैं उसका तो कोई इश्यू नहीं है या जो फर्स्ट टाइम मे ट्वेंटी वन में अपियर हो रहे हैं ओके तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन चलिए तो ये था बेटा 15 फेब से मेरा स्टार्ट होगा ओके आगे के क्लासेस तो ये इस तरह से डिजाइन किया तो डिजाइन किया मैंने सेशन चलो एक बार रिपैक कर दो यहाँ पे टोटल तो 35 फाइव सेशन हो गए अप्रोक्सीमेटली 100 टू तो 105 एंड आवर्स हो गए उसके बाद में यहाँ पे यूट्यूब लाइव पे सिक्स सेवन डेमोज हो गए रिमेनिंग लेक्चर आपको इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेंगे पी मोड में या ऑनलाइन डाउनलोड मोड में ओके वो उसके लिए आपको बाय करना पड़ेगा हमारा ओके कोर्स आइदर कंबो में डी टी लॉ या ग्रुप का कम या इंडिविजुअल आप जीएसटी सेशंस भी ओके यानी जीएसटी के लेक्चर्स भी बाय कर सकते हो और हमारा एक्चुअल रिमेनिंग सेशंस जो है ओके डेमो होने के बाद वो फिफ्टीन फेफ से अवेलेबल हो ठीक है नेक्स्ट बेटा प्लीज प्लीज स्पैम ना करे प्लीज स्पैम ना करे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज मैं कोई क्वेश्चन देखने वाला नहीं हूं जब तक मेरे एक्सप्लेनेशन यहां खत्म नहीं होता फिर आपका एक सवाल हो सकता है यहां पे सर दोज वो ऑलरेडी परचेज न्यू जीएसटी क्लासेस इन ग्रुप कम्बोज और इंडिविजुअल विद पीडी और ओडी ऑप्शन तो आपने ऑलरेडी uh, अगर पीडी क्लासेस डीटी आईडीटी आई की साथ में ओके okay, परचेज कर ली होगी ओके प्री ऑर्डर दे दी होगी तो आपके डीटी के क्लासेस तो अभी स्टार्ट हो जाएंगे ओके okay, जो आपको मटेरियल आपके फैकल्टीज uh, ने जैसे विजय सर ने आपको मटेरियल कब होगा कब मिलेगा ये बताया होगा दर्शन सर ने भी बताया होगा मैं अपने बारे में भी बताऊंगा पर जो भी आज मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ सभी ध्यान सुनिएगा जो भी हम मैं आज एक्सप्लेन दे रहा हो बेटा ये सिर्फ मैं ओके माय एक्सप्लेनेशन इज कन्फाइंड टू आईडीटी ओनली मैं सिर्फ आईडीटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने ऑलरेडी परचेस किया है तो कोई दिक्कत नहीं आपको डीटी के सेशन आना चालू हो जाएंगे आप डी स्टार्ट कर दो और पंद्रह फेब से आपको जो है अभी ये छह सात हमारे डेमो लेक्चर होने के बाद पंद्रह फेब से आपका आईडी भी चालू हो जाएगा डोंट वरी फॉर दैट ओके सो नाउ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा देखिए सर दोज वू आर प्लानिंग टू परचेस दिस न्यू जीएसटी कोर्स आफ्टर यूट्यूब ओके लाइव सेशन तो यहाँ पे अगर आप YouTube लाइव सेशन के बाद हम परचेस करना चाहते हो तो यू कैन बाय आवर जी एस टी क्लासेस मतलब ये डेमो होने दो मैं आपको तो ये कहूँगा डेमो होने दो अच्छे से समझ लो फिर आप बाय कर सकते हो तो बाद में भी बाय कर लेना ओके okay, बिल्कुल डेमो आपको अच्छे लगेंगे तो जहाँ तक देखा जाए तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ जो है बेटा यूट्यूब लाइव डेमो होने के बाद आप पी कोर्स या हमारा ऑनलाइन डाउनलोड कोर्स बाय कर सकते हो नौ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको मैं कहने जा रहा हूं अब ये बात ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट्स ने ओके okay, ध्यान से सुनना बेटा मैं जो कहने जा रहा हूं सर यहां पर दोज वांट टू ज्वाइन जीएसटी लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस एक बार फिर से जीएसटी लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस तो ये सात लेक्चर जो हमारे हो गए ओके okay, जो भी नंबर ऑफ लेक्चर छः हो गए सात हो गए जो भी हो गए बेटा तो ये जो सात लेक्चर्स हमारे हो गए ये सात लेक्चर्स डेमो लेक्चर के बाद मैं लाइव स्ट्रीमिंग लेने वाला हूं अब आप क्या समझते हो लाइव स्ट्रीमिंग मतलब यूट्यूब पे आ जाओगे नहीं यूट्यूब पे नहीं ये लाइव स्ट्रीमिंग जो है ओके okay, हमने वी स्मार्ट का जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ये लाइव स्ट्रीमिंग होगी वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ये लाइव स्ट्रीमिंग होगी अब इसके बारे में आप थोड़ा अच्छे से एक एक पॉइंट में समझा देना चाहता हूं। सभी ने कान खोल के सुनना कोई सोया तो नहीं बेटा अगर दो, कोई सोया होगा तो दो मिनट कंट्रोल कर ले दो मिनट बाकी मैं संभालता हूं तेरे को क्या करना है ठीक है तो कंट्रोल लंबी सांस ले लंबी सांस ले और छोड़ 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 छोड़, छोड़। हाँ तो यहां पे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी तो अब ऐसे केस में पहला सवाल आपका होता है देखो ये लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस क्या है और इसके बारे में आपको बता देता हूं ये पहले तो ये जो एक सॉफ्टवेयर आपके पीसी में या आपके मोबाइल में एक ऐप आप आपको इंस्टॉल करना पड़ता है और वो वो सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करोगे तो ये लाइव स्ट्रीमिंग जो होगी तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आप कंपेटिबल हो या नहीं हो यानी आपका सॉफ्टवेयर आपका जो भी डिवाइस है मे बी मोबाइल होगा मे बी टैबलेट होगा मे बी कंप्यूटर होगा ओके डेस्कटॉप पे नहीं होगा पर लैपटॉप होगा तो वो सिचुएशन में वो कंपेटिबल होगा कि नहीं होगा सॉफ्टवेयर के साथ आपको थोड़ा जुगलबंदी करना पड़ेगा ओके okay, अपने रिलेशन uh, सॉफ्टवेयर के साथ बनाने पड़ेंगे तो ये इसके लिए आपको वो सॉफ्टवेयर का सेटअप करना पड़ेगा अब यहां पे ये सॉफ्टवेयर का सेटअप जो है कैसे होगा बताता हूं उसके बारे में लाइक बेटा हाउ टू डू सेटअप ओके लेट्स हैव वॉक थ्रू क्विकली अब सेटअप जो है ओके okay, यहां पे आपको किस तरह से होगा क्या होगा मैं आपको यह बता देता हूं ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो लाइव स्ट्रीमिंग में क्लासेस करना चाहते हैं डेमो लेक्चर के बाद जब मैं 15 फरवरी से ज्वाइन करूंगा ओके okay, तो 15 फरवरी से वो लाइव स्ट्रीमिंग में क्लास करना चाहते हो और मैं आपको कहूँगा बेटा लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल करना आपको मजा आएगा आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप वर्चुअल कर रहे हो क्योंकि मैंने सी फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग क्लास की है ओके okay, तो हमने बहुत इंजॉय किया लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस में ओके okay, तो यूट्यूब से भी ज्यादा मजा आएगा ओके okay, मैं आपको यह एश्योरेंस देता हूँ। लेकिन अब मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि थोड़ा मैं वॉक थ्रू करना चाहूंगा कि आपको लाइव स्ट्रीमिंग जो है किस तरह से होगा देखो यहां पे अगर आप वी स्मार्ट अकेडमी के चैनल पे आए ओके okay, जैसा मैं मेन पेज पे आ जाता हूं हाँ आप वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम आपको क्या करना पड़ेगा वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम पे जाना पड़ेगा यहां पे सी ए इंटर सी ए इंटर पे क्लिक करना पड़ेगा बेटा सी ए इंटर पे आने के बाद ओके मेरे फोटो पे क्लिक करना तू नहीं तो थारो फोटो भी चाल से थारो फोटो नहीं थी तो फोटो कॉपी भी चाल से ओके सर आपको क्लिक करना पड़ेगा क्लिक करने के बाद ओके नीचे आपको एक स्लाइड दिखेगी ये ये वाला हाँ ये वाला यहाँ पे आपको स्लाइड दिखेगा बेघर टेबल दिखेगा और कहीं नहीं जाना है आपको ओके अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग हाँ आपको ऑर्डर ऑर्डर देना है तो ऊपर दिए गए हैं आप ओके ऑर्डर इंडिविजुअल ऑर्डर दे सकते हो कम्बो में ऑर्डर दे सकते हो ग्रुप ऑर्डर दे सकते हो वो सब ठीक है लेकिन आप अगर यहाँ पे वी स्मार्ट अकेडमी सी ए इंटर और ओके यहाँ पे जी में आते हो तो आपको ये लिंक मिलेगी यहाँ अगर आप क्लिक करोगे ओके तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तो आपका टेस्टिंग सेटअप जो है हमारी टीम आपका टेस्टिंग सेटअप कैसे करेगी तो हमारी टीम जो है बेटा यहां आपका टेस्टिंग सेटअप जो है ध्यान से देखिएगा ओके okay, टेस्टिंग सेटअप कैसे करेगी तो यहां आपको जो है टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और वो सिलेक्ट करने के बाद आपका पूरा डेटा देने के बाद आपको ये कोर्स जो है ओके okay, क्लिक करके ऐड टू कार्ट और ये बाय करना पड़ेगा ये आपने बाय करने के बाद औ ये सेटअप करने के ध्यान से सुनिएगा ये पूरा सेटअप करने के आपसे ओके okay, यहाँ कुछ सर्विस चार्जेस हंड्रेड रुपीज हो गए क्योंकि बेटा ये पूरी टीम आपके लिए लगेगी तो हंड्रेड रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे फिर ये सेटअप जो है आपके कंपेटेबल है या नहीं है वो चेक किया जाएगा ओके पहले आपको ये पूरा जो

ना बेटा यहां पे नेक्स्ट अगर मैं कहूं तो अब ये सेटअप होने के बाद अब होगा क्या ध्यान से सुनो सभी अब होगा क्या कल से जो सेशन मैं चालू करूंगा मतलब मंडे से आज का सेशन होने के बाद इसके बाद डायरेक्ट मैं मंडे को सेशन लूंगा बेटा मंडे से जो सेशन चालू होगा मंडे का सेशन यूट्यूब लाइव भी चलेगा ध्यान से सुनना मंडे का सेशन यूट्यूब लाइव भी चलेगा और हमारे सेटअप में भी चलेगा अगर आपका से हो जाए तो तो आप मंडे ट्यूजडे जो भी है ओके एक दो दिन में सेटअप कर लेना ओके तो हमारे सात सेशन जो है ओके आगे के ये सात सेशन जो है आज का छोड़ के आगे के जितने भी सेशन होंगे ये यूट्यूब लाइव पे भी चलेगे और आपके सेटअप में भी चलेगा

दूसरा इससे फायदा क्या हो, भे, होगा बेटा कि अगर आपने सेटअप से मुझे ले, लेक्चर देखना चालू किया तो आप यूज टू हो जाओगे तो फिर पंद्रह फेबर से जो हमारा बैच चालू होगा ओके वो पंद्रह फेबर को आप यहां पे मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में कनेक्ट हो सकते हो ये सिर्फ मैं जीएसटी के बारे में बात कर रहा हूं अदर सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं

अगर आप चाहते हो करना तो आप ये सेटअप करवा लो उसके बाद में बे, नेक्स्ट बेटा ओके okay, यहाँ पे हाँ अब ये जो मैं लाइव स्ट्रीमिंग के क्लासेस लूंगा सुनिएगा ये लाइव स्ट्रीमिंग के क्लास, क्लासेस ये एडिशनल फैसिलिटी है मतलब मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी क्लासेस बाय कर ली होगी या आप डेमो लेक्चर के बाद बाय करना चाहोगे तो आपको ओडी मतलब सॉरी ऑनलाइन डाउनलोडिंग और पेनड्राइव क्लासेस वो तो आएगी ही आएगी मतलब आप लाइव स्ट्रीमिंग में करो या ना करो आपको उसका पी आएगा ही ओके और आपको उसका ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा आपने जो भी ऑप्शन ले ला यानि आपने पी या ऑनलाइन डाउनलोड जो लिया है ओके वो तो आपको लेक्चर्स आई जाएगी इन एडिशन टू दैट ये लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस में आपको दे रहा हूँ ओके ये एडिशनल फैसिलिटी है सर एक सवाल है सर अगर हमने आपके ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस ओके रोज कर रहे हैं पंद्रह फेफ से ध्यान से सुनो पंद्रह फेफ से हम क्लासेस आपके कर रहे हैं ओके अगर हमारे यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम रहा या कभी ओके यहां पे पावर नहीं रहा या जो भी प्रॉब्लम है तो सर क्या करें फिर उस दिन का लेक्चर आपके पीढ़ी में है आप पीढ़ी में वो लेक्चर देख सकते हो क्योंकि आपको पीढ़ी तो मिल ही जाएगा ओके तो पीढ़ी में या ऑनलाइन डाउनलोड मोड में आप वो लेक्चर्स देख सकते हो वो बैकअप तो आपके पास रहेगा ही रहेगा ओके स्पेशली ऑनलाइन डाउनलोड मोड का क्योंकि पीढ़ी आने में थोड़ा टाइम लगेगा बेटा तो मैं यही कहूँगा कि लाइव स्ट्रीमिंग मोर कंपेटेबल है ऑनलाइन डाउनलोड के साथ पीढ़ी के साथ नहीं क्योंकि पीढ़ी के लेक्चर जब रिकॉर्ड हो गए तो दस दिन बाद आते हैं लेकिन ऑनलाइन डाउनलोड मेड में सेम डे जैसे ही यहाँ लेक्चर खत्म हो जाता है उसी आधी एक घंटे में लेक्चर क्चर अपलोड हो जाता है तो आपका अगर लेक्चर रह गया तो आपके पास ऑनलाइन डाउनलोड करके उस दिन का लेक्चर आप देख सकते हो हमने सी फाइनल में जब मैंने अभी क्लास खत्म किया ओके यहाँ पे सभी स्टूडेंट जो लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन हुए थे सबको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला किस दिन अगर कोई लेक्चर नहीं हो पाया या आप उस दिन अपसेंट रहे तो वो सिचुएशन में उन्होंने ऑनलाइन डाउनलोड करके वो लेक्चर देख लिया ओके तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी तो एक बार फिर से कहता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग ये एडिशनल फैसिलिटी है और मैं तो आपको कहूंगा कि वो करना चाहिए ओके दूसरी बात आपको ऑनलाइन डाउनलोड और, और पीडी जो है वो तो दी ही जाएगी उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा ये इन एडिशन टू ऑके ऑनलाइन डाउनलोड और पीडी क्लासेस से रहेगा उसके बाद में बेटा यहां पे अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा ये जो आ, हमारा सॉफ्टवेयर है ये अभी बीटा वर्जन में बीटा वर्जन में मतलब डेवलपमेंट में है जैसे अभी सी ए फाइनल लेवल पे ओके अराउंड दो हजार स्टूडेंट्स थे बेटा मेरे सुनना दो हज़ार स्टूडेंट्स थे उसमें से ओके okay, हमने हंड्रेड स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए थे क्योंकि डेवलपमेंट स्टेज में दो हजार स्टूडेंट्स मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ ओके okay, तो अब यहाँ पे ओके uh, इनिशियल okay, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी डेवलपमेंट स्टेज पे होने की वजह से इनिशियल स्टेज पे हमने हंड्रेड स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए और ये क्लास हंड्रेड स्टूडेंट के साथ हुआ तो यहां पे भी अभी ये बीटा वर्जन में बेटा तो यहां अभी तो आप क, आप कंपेटेबल हो या ना हो वो चेक कर सकते हो लेकिन 15 फेब को ओके आई विश फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ओके वहां जाके आपको रजिस्ट, जस्ट रजिस्टर करवाना है कि आप, औके, 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 करना चाहते हो और अगर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आएगी उसमें से के हंड्रेड स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे अगर हम अभी डेवलप कर रहे हैं ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए तो ज्यादा भी सिलेक्ट किए जाएंगे फिर यहां पे लकी ड्रॉ जैसा होगा जिसका नंबर लग गया वो लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे साथ क्लास कर सकता है ये एडिशनल फैसिलिटी है बाकी स्टूडेंट वो स्टूडेंट को तो ओके पेनड्राइव क्लासेस या ऑनलाइन डाउनलोड तो मिलेगा ही मिलेगा बाकी सबको तो पीडी और ऑनलाइन डाउनलोड तो मिल ही रहा है बेटा इज इट क्लियर इज इट क्लियर यस यहां पे तो ये एडिशनल फैसिलिटी रहेगी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे रहेगी ओके ये सभी को तो नहीं रहेगी आप जितने भी लोग रजिस्टर्ड हो गए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे ओके वो रैंडम बेसिस पे होगा ओके लकी ड्रॉ जैसा होगा और जिसका नंबर लगा ओके उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी ओके हाँ अब लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड कैसा होगा क्या होगा अभी ये स्टेज पे नहीं होगा बेटा लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड ओके यहाँ पे मैं पूरा एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो गाइडलाइन कैसे होगी ये मैं पंद्रह फेब के पहले डाल दूंगा और पंद्रह फेब के पहले हमारे चैनल पे डाल दूंगा और आपको वेबसाइट पर भी रहेगा इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर लाइव स्ट्रीमिंग ओके उसमें मैं पूरी ओके यहाँ पर हमारी प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर लूंगा हाँ नेक्स्ट बेटा बस अभी आपको इतना काम करना है ध्यान से सुनो अभी आपको बस इतना काम करना है कि ये जो डेमो लेक्चर चल रहे हैं जो यूट्यूब पे भी है आपको आप कंपेटिबल हो, हो सकते हैं ना हो सकते हो तो आप यहां पे रजिस्टर कर लो बेटा रजिस्टर कर लो चेक कर लो कि आपके लैपटॉप में वो कंपेटिबल होगा या नहीं होगा या टैबलेट पर या मोबाइल में वो कंपेटिबल होगा या नहीं होगा ये चेकिंग हम साथ साथ में कर सकते हैं नहीं हो रहा है तो मैं यूट्यूब पे तो हूँ यूट्यूब पे वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको एक घंटे बाद आप वो भी देख सकते हो क्योंकि यूट्यूब पे तो रिकॉर्डेड लेक्चर है आप बाद में देख सकते हो ओके तो उसमें तो कोई आपको दिक्कत जाएगी नहीं उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर व्हाट कोर्स मटेरियल और बुक्स विल बी प्रोवाइडेड विद दिस क्लासेस ओके बुक्स के बारे में मटेरियल के बारे में हम आगे देखेंगे ओके okay, आगे देखेंगे तो आ, लेकिन ब्रॉड सेंस में आपको मैं कह देता हूं

पीडीएफ तो बेटा एडिशनल फैसिलिटी है मतलब अगर आप कोर्स बाय करते हो आई रिपीट आप अगर कोर्स बाय करते हो तो आपको रेगुलर मटेरियल एडिशनल मटेरियल सपोर्टिंग मटेरियल जो भी होगा उसका हार्ड कॉपी तो आएगा ही आएगा उसमें कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं आई रिपीट उसका हार्ड कॉपी आएगा ही आएगा उसमें दूसरा ऑप्शन है ही नहीं लेकिन लेकिन मेरा रेगुलर मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में भी है कुछ स्टूडेंट्स को अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए ओके okay, यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में चाहिए तो वो फ्री है ओके इन एडिशन टू अवर हार्ड कॉपी हार्ड कॉपी तो डिफॉल्ट है आएगी उसमें कोई डाउट ही नहीं है इज इट क्लियर ओके नाउ फिर से बेटा मैं जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं मैं क्वेश्चन अभी एंटरटेन करने वाला नहीं हूं पहले पूरा एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिएगा तो यहाँ पे तो मेन uh, मटेरियल आपको डिजिटल भी मिलेगा जिसको टेलीग्राम लिंक में मैं वो ओके okay, चैप्टर अपडेट करते ऐड करते जाऊंगा आप एज अ डेमो पूरा देख सकते हो कि मेरा मेटेरियल मैंने कितनी ओके okay, मेहनत करके बनाया है और कितना सुंदर मटेरियल है आप रियली एंजॉय करोगे उसके बाद में क्वेश्चन नहीं आएगा डिजिटल कॉपी क्वेश्चनअर और जीएसटी आपको हार्ड कॉपी आएगा रेगुलर मटेरियल की जो हार्ड कॉपी उसके साथ आएगा नाउ नेक्स्ट बेटा आ, हाँ आपने रेगुलर मटेरियल देख लिया डेमो देख लिया तो आप जरूर ये क्लास का रेफरेंस जो है ओके आपके फ्रेंड्स को दीजिएगा आप रियली really एंजॉय करोगे अभी तो हमारा जीएसटी स्टार्ट होना बाकी है तो जस्ट मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं उसके बाद में यहाँ पे सर मई ट्वेंटी वन और नवंबर ट्वेंटी वन के सिलेबस में कोई ज्यादा चेंजेस है क्या चेंजेस बेटा क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे कोई ज्यादा अमेंडमेंट्स मई ट्वेंटी वन के लिए तो नहीं है और नवंबर ट्वेंटी वन के लिए भी एक्सपेक्टेड नहीं है और जो भी अमेंडमेंट्स होती है दस से पंद्रह उसके अमेंडमेंट वीडियोज हमारे आ जाते हैं तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं जाएगा इज इट क्लियर ओके इज इट क्लियर येस और नो जोर से बोलो ठीक है तो चलिए ओके आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको कवर कर लिए है ओके okay, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि लाइव स्ट्रीमिंग में जो भी इंटरेस्टेड है बेटा ओके मंडे से कल की छुट्टी रहेगी मंडे से जो लेक्चर रहेगा ओके okay, वो लेक्चर आप लाइव स्ट्रीमिंग में Uh, तब तक आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो यूट्यूब पे भी आएगा और हमारा हम कंपेटिबल रहे और अच्छे से हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर पाए तो फिर आगे के लेक्चर लाइव स्ट्रीमिंग में आपको कंपेटिबल ही रहेंगे तो चलिए मेरा एक्सप्लेनेशन जितना मैंने करना चाहिए था मैंने कर दिया है अब बुक्स कैसी रहेगी क्या रहेगी मटेरियल कैसा रहेगा इसके बारे में मैं आपको आगे तो बताऊँगा गई इज इट क्लियर चलिए तो दोस्तों यस uh, yes, अब आपके डाउट्स जो है मोस्ट ऑफ द डाउट्स हाँ आपके लाइव स्ट्रीमिंग के जो व्यू रहेगे ओके और आपका जो पीडी क्लासेस ऑनलाइन डाउनलोड क्लासेस है इसमें कोई चेंज नहीं होगा जो आपको पीडी में ऑनलाइन डाउनलोड में जितने व्यूज है उस वो इंटैक्ट हो गए उसमें ओके okay, आपको अपने लाइव में कर लिया उसके इसलिए उसके व्यूज कम कर देंगे ऐसा नहीं ऐसा नहीं है ठीक है लाइव तो बेटा मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ पढ़ो नहीं ये तो अभी बेटर डेमो लेक्चर है डेमो लेक्चर तो हमारे क्लासेस हो रहे हो गए तो अभी तो ये डेमो लेक्चर है डेमो लेक्चर के बाद हम जीएसटी क्लास का जो शेड्यूल होगा पंद्रह फिफ्थ से फिर वो अब किसी के साथ भी क्लैश हो आप लाइव करना चाहते हो तो ठीक है नहीं तो ऑनलाइन डाउनलोड मोड में आपको मिल ही मिल ही रहा है दूसरा तो उसमें कोई ऑप्शन है नहीं हाँ अभी मैं आपको कह देता हूं कि बुक्स जो है हाँ एक आ, ये सवाल है आपका कि बुक्स कब तक आ जाएगी जहां तक मैं जीएसटी की बात करूं अदर सब्जेक्ट्स की बुक्स जो भी जैसे विजय सर ने दर्शन सर ने या जय सर ने आपको जो कमिट किया है ओके तो उनकी बुक्स आना चालू हो जाएगी विद इन अ वीक लेकिन मेरी बुक्स जो है बेटा जैसे मैंने आपको कल लिंक दे दी थी डेमो बुक की तो अब पहला मॉडल जो है वो आपको तो पी आपको प्रिंट आउट निकालना आपको पूरा सेट पंद्रह फेब से आना चालू हो मतलब पंद्रह फेब के पहले हम डिस्पैच कर देंगे अगर आपने ऑर्डर दिया तो क्योंकि अभी जी की बुक की जरूरत नहीं है सिर्फ जो आज मैं एक इंट्रोडक्शन डेमो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ उतना तो आपने प्रिंट आउट ले लिया होगा ओके okay, बाकी सभी बुक हम पंद्रह फेब के पहले आपको डिस्पैच कर देंगे ओके okay, पूरा बुक जितने भी मॉड्यूल्स हैं ओके <laughs> okay, एक सवाल है कि सर फॉर डी और लॉ ये लाइव स्ट्रीमिंग फैसिलिटी क्यों नहीं है क्योंकि बेटा ओके okay, पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग सी ए फाइनल लेवल पे मैंने किया और ये जो है सक्सेसफुल हुआ तो लाइव स्ट्रीमिंग मुझे बहुत अच्छे से आता है बट आई डोंट नो अबाउट अदर फैकल्टी ओके तो यानी यहां पे 60 लेक्चर्स ये फाइनल के लाइव स्ट्रीमिंग में मुझे नहीं पता किसने किया होगा फॉर फर्स्ट टाइम मैंने किया हुआ है और उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है मुझे सब पता है इसलिए मेरे लिए इजी है आई डोंट नो अबाउट अदर फैकल्टी हम कोशिश करेंगे कि अदर फैकल्टी दे पर पर अभी सिर्फ जीएसटी के बारे में हम बात करेंगे चलिए ओके okay, तो आई होप आप सभी को आ, आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे बेटा हम स्टार्ट करें स्टार्ट करें चलिए आर यू रेडी आपके डाउट्स और क्वेश्चन तो मैंने देख लिया है सर जान वालों को स्टार्ट सर यस यस करेक्ट यस रेखा यस अनीक्षा चलिए बाकी आपके जो भी डाउट्स क्वेश्चन है बेटा तो मेरे से कोई एक्सप्लेनेशन रह गया होगा तो डिस्क्रिप्शन कॉलम में देख लेना डिस्क्रिप्शन कॉलम में हम सब पॉइंट्स ऐड कर देंगे अगर कोई यहां पे पॉइंट रह गया होगा तो ठीक है चलो यहां पे स्टार्ट करते हैं जस्ट एक मिनट बेटा चलो हम बात करेंगे पेपर फोर हम बात करेंगे पेपर फोर टैक्सेशन टैक्सेशन फॉर सीए इंटर सीए इंटर स्टूडेंट्स आईपीसी में तो कोई होगा नहीं पर सीए इंटर स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे <laughs> बेटा अब मैंने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है अब कोई भी डाउट है मैं एंडिंग में एंटरटेन करूंगा अब सिर्फ मैं जो सवाल पूछूंगा उसका ही आंसर देने का ओके okay, अननेसेसरी कोई डाउट होगा तो मैं एंटरटेन नहीं करूंगा तो चलिए दोस्तों बच्चों ये बताओ कि यार टैक्सेशन सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है आपको टैक्सेशन में क्या होता है ओके okay, आपको विजय सर ने बताया होगा और जो विजय सर ने बता दिया है मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा और मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा ओके okay, तो मुझे बताओ टैक्सेशन टैक्सेशन ये दो पार्ट में डिवाइड किया है आपका टैक्सेशन ये सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड किया है पार्ट वन बेटा पार्ट वन जो है बताओ क्या होगा बेटा बताइए पार्ट वन क्या रहेगा ये रहेगा डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स जिसे आप कहते हो इनकम टैक्स जिसे आप कहते हो इनकम टैक्स इनकम टैक्स और पार्ट टू पार्ट टू जो रहेगा यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है इसमें हम मेनली पढ़ने वाले हैं जीएसटी इसमें हम मेनली पढ़ने वाले हैं क्या बेटा जीएसटी ठीक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ठीक है नाउ अब बेटा यहां पे डायरेक्ट टैक्स के तो लेक्चर्स आपने किए होंगे आपने बहुत एंजॉय किया होगा विजय सर के लेक्चर्स नाउ इनडायरेक्ट टैक्स हम उससे भी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। डोंट वरी ओके ऐसा ज्यादा बेटा विजय सर भी बहुत बेस्ट पढ़ाते मैं जो है हर बात इनडायरेक्टली कहूंगा ओके okay, इनडायरेक्टली कहूंगा तो इनडायरेक्टली आपने समझ जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है जिसमें हम देखने वाले क्या जीएसटी तो डायरेक्ट टैक्स को मार्क्स का वेटेज कितना दिया है डायरेक्ट टैक्स को आपके पेपर में 60 मार्क्स का वेटेज दिया है और बताइए बेटा इनडायरेक्ट टैक्स को कितना दिया है अब ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा कितना वेटेज दिया है यस बोलिए बोलिए फटाफट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए तो यहां पे 40 मार्क्स का वेटेज दिया है यहां पे 40 मार्क्स का वेटेज इनडायरेक्ट टैक्स को दिया है ठीक है तो अब यहां अगर आप अपना टारगेट रखें आप अपना टारगेट रखें क्या सर अगर हमने ओके okay, देखिए तो दोस्तों आपने अगर ये टारगेट रखा कि सर डायरेक्ट टैक्स में हमें अगर 60 में से 50 मिल जाए 50 मार्क्स मिल जाए और इनडायरेक्ट टैक्सेस में 30, 40 में से 35 मार्क्स मिल जाए तो कितने हो गए बेटा 85 मार्क्स क्या बात है क्या बात है 85 मार्क्स क्या ये टारगेट मिनिमम मैक्सिमम तो हंड्रेड है, तो 100 है तो क्या सर ये 85 मार्क्स लेना पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है और वी स्मार्ट में खास बात तो यह है कि डायरेक्ट टैक्स ओके यहां पे विजय सर अलग फैकल्टी पढ़ाती है और इनडायरेक्ट टैक्स ओके मैं पढ़ाता हूं दोनों अलग अलग पढ़ाते हैं और दोनों एक्सपर्ट से स्मार्ट है ओके okay, तो डेफिनेटली एटी फाइव मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे 85 तो मार्क्स मिल ही जाएंगे लेकिन ये 85 मार्क्स अगर आपको लेना है तो हमने जो बातें कही है वो बातें आपको करनी पड़ेगी ओके okay, तो ही आप 85 मार्क्स ले पाओगे तो यहाँ ओके okay, तो बेटा ओके <laughs> okay, आप वहाँ से हंस दिया करो थोड़ा बहुत अगर मजाक करूँ तो क्योंकि फेस टू फेस में ओके okay, कुछ स्टूडेंट रहते थोड़ा मज़ा भी आता था रिकॉर्डिंग सेशन में अब कोशिश तो कर रहा हो बेटा ओके क्योंकि पिछले सोलह साल सोलह साल से मैं पढ़ा रहा हूँ सोलह साल में कभी मैंने रिकॉर्डिंग सेशन में ओके okay, नहीं मैंने लाइव सेशन में रिकॉर्ड किए पर आपसे मैं ओके रिस्पॉन्स चाहूंगा तो बेटा यहाँ पर ओके तो नेक्स्ट बेटा जहां तक देखा जाए एक बंदा कह रहा है सर इंग्लिश पढ़ाओ फ्लुएंटली कैसे बात करना वो बाद में देखेंगे पहले ये देख लेते हैं बेटा पहले इंग्लिश नहीं जीएसटी सीख ले तो यहां एटी फाइव मार्क्स तो अब अगर हम बात करें फोर्टी मार्क्स के लिए फोर्टी मार्क्स के लिए तो यहाँ इंडायरेक्ट टैक्स का मार्क्स अलोकेशन मैंने आपको बताया फोर्टी मार्क्स बेटा अगर आपको अबोव सिक्सटी जाना है या टैक्सेशन सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना है फिर वो सेवेंटी हो एटी हो नाइनटी हो तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको बहुत सपोर्ट करता है और इनडायरेक्ट टैक्स ये तो इंस्टीट्यूट ने फोर्टी मार्क्स का रखा लेकिन मैं तो ओके जब बोर्ड ऑफ स्टडीज का डिस्कशन चालू था तीन साल पहले तो मैं तो उनको हंड्रेड मार्क्स का कहने वाला था हंड्रेड मार्क्स का पहले आया था बाद में उसको फोर्टी कर दिया वो बात अलग है क्यों क्योंकि आज अगर ऑफिस में जाना है तो आपको जीएसटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है जीएसटी का नॉलेज होना जरूरी है तो बेटा ये फोर्टी मार्क्स ये फोर्टी मार्क्स में हमें कुछ बातें समझनी है ये फोर्टी मार्क्स के क्वेश्चन टाइप कैसे आएंगे क्वेश्चन टाइप कैसे आएंगे यहाँ पे एम सी क्यू क्वेश्चन जो आपको थर्टी परसेंट पोर्शन में पूछा जाता है और अदर ओके अदर्स में आपको सेवेंटी परसेंट पोर्शन में पूछा जाता है

ओके okay, ये ट्वेल्व मार्क्स का ओके okay, यहाँ पे एमसीक्यू हो जाएगा थोड़ा ओके okay, हरकतें मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जीएसटी पढ़ाते पढ़ाते सोलह साल हो गए थोड़ा सीनियर लेवल पे आ गया हो ओके प्रैक्टिस भी करता हो लेकिन जब मैं बच्चों के साथ आ जाता हूँ तो बच्चों जैसा हो जाता हूँ तो मुझे बच्चा ही समझ लेना ठीक है तो यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो यहां ओके सेवेंटी मार्क्स का तो ये थर्टी मार्क्स और दूसरा ये सेवेंटी मार्क्स का अदर क्वेश्चन पूछते हैं अब यहां पे ये यह जो हो गए ये ट्वेंटी एट मार्क्स के अदर क्वेश्चन आएंगे अब एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे आते हैं जीएसटी में थोड़ा इसके बारे में मैं बता देता हूं एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है यहां पे Uh, जब जीएसटी नया नया था तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे ओके okay, एक 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 लाइन के चार ऑप्शन दे दिए एक एक, एक लाइन के लेकिन इस बार ओके okay, मुझे ऐसा लगता है ओके okay, कि अब क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो आरटीपी दी है आरटीपी में वो केस स्टडी बेस बना रहे हैं यानी आपने कभी इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया होगा तो ऐसा पैराग्राफ आता था और पैराग्राफ के नीचे एम क्वेश्चन पूछते थे और आप वर्ड्स मैच करते थे करते थे ना ऐसा बोलो करते थे ना ऐसा ओके okay, करते थे ना कि वर्ड्स मैच हो गए और मैच हो गए उसका आंसर लिख देते थे, थे तो यहां पे अब ऐसा नहीं है यहां पे ऐसा मैच मत करना कि केस स्टडी आएगी केस स्टडी के बेस पे फिर वो सवाल पूछेंगे वहां आपको ऑप्शंस देंगे वो ऑप्शन में से आपको प्रॉपर ऑप्शंस सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर हो सकता है कि कैलकुलेशन करके आप सिलेक्ट कर रहे हो क्या कैलकुलेशन करके सेलेक्ट कर रहे हो पर वो ऑप्शंस जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बेटा हमारे इसमें थोड़ा डिले है लगभग पंद्रह से बीस सेकंड का लेकिन मैं आपके आंसर पढ़ रहा हूँ डोंट वरी बस आप बेटा बेटा रिप्लाई कीजिएगा ओके हमारा सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए ओके मैं आपके साथ रूबरू रू, आप भी मेरे साथ रूबरू रू हो और हम दोनों भी रूबरू रू हो ओके तो मजा आ जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ जा देखा जाए तो अदर्स, अदर्स में क्या किस तरह से सवाल आपको पूछते हैं अदर्स में होता है बेटा ओके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं जिसके तीन चार लाइन में आंसर आप दे दोगे पॉइंट्स लिख लो मार्क्स ले लो तो ओके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन होते हैं कुछ यहां है ओके यहां केस uh, स्टडी में लंबी केस स्टडी भी होती है मिनी केस स्टडी भी होती है ओके okay, कभी कभी केस स्टडी दो तीन लाइन में आ जाती है कभी कभी लंबी केस स्टडी होती है तो केस स्टडीज होती है और ओके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं तो अगर किसी का यह सवाल है कि सर ओके okay, मुझे ना थेरी जमती नहीं है ओके okay, सर Uh, यहाँ पे मुझे जो है ओके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अच्छे से जमता है थेरी नहीं जमती है बहुत लोगों का होता है बेटा प्रैक्टिकली उनको सब अच्छे से आता है ओके okay, थेरोटिकल नहीं आता है ओके okay, तो यहाँ पे आपको अगर प्रैक्टिकल अच्छे से आता है तो डरने की कोई बात नहीं बेटा क्योंकि जीएसटी में ऐसा आपको लर्न करके मगभ करके नहीं लिखना है आप सी ए फाउंडेशन से, से बाहर आ जाओ ओके okay, आपको बहुत अच्छे से करना है पढ़ाई जीएसटी की ओके okay, तो अब ऐसे केस में यहाँ पे <coughs> फाउंडेशन से बाहर आ जाओ आपको यहां पे कुछ भी लर्न नहीं करना है कम ऑन ओके okay, सुनो यार मेरी बात सुन लो मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं सुन लो प्लीज ओके okay, तो यार आपको जहां तक देखा जाए तो केस स्टडीज जो है केस स्टडी ओके okay, किस तरह से लिखना मैं आपको सिखाऊंगा अरे इतना बढ़िया सिखा होगा ना तो आप बोलोगे कि सर जीएसटी एस इतना इजी अरे मेरे पे छोड़ दो ओके okay, मैं तुम्हारे साथ हूँ अभी महाराष्ट्र में मराठी में हम कहते हैं मी तुझा पाठीशिया है ओके okay, तू चिंता न को करूँ ओके okay, तो यहाँ पे चलिए तो मराठी आपको नहीं समझी होगी अगर आप से नहीं हो पर आपको अच्छे से समझ जाएगा तो केस स्टडी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लिखना चाहिए प्रैक्टिकल मैं मैं क्वेश्चन okay, तो से दस से पंद्रह मार्क आते हैं अब दस मार्क का रहा तो ठीक है पंद्रह मार्क का तो आपका लग समझ लो तो बारह सत्ताईस क्वेश्चन सुनो सत्ताईस मार्क के क्वेश्चन एमसीक्यू और प्रैक्टिकल इसमें अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा बच्चे कितना okay,

समझ लो ओके okay, तो आपको ना बहुत मजा आएगा ओके okay, तो यहां मैं, मैं आपके साथ बच्चा होने वाला हूं okay, मुझे ये मत समझना सीनियर फैकल्टी और ये वो ओके okay, तो बाजू में रख दो सर आपका नाम सुना है आप तो बड़े सीनियर फैकल्टी लि इट ओके बच्चा समझ के हम ओके okay, डिस्कस करेंगे तो हाँ बच्चो ओके okay, तो यहां पे जहां तक है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहां तक हम देखेंगे तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया इसके लिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है बेटा ओके ये अगर अच्छे से कर लिए एमसीक्यू मैं आपको बताऊंगा केस स्टडी में आपको बताऊंगा तो आप 40 में से हमारा जो टारगेट है वो 35 फाइव मिनिमम कमा मैं मिनिमम कह रहा हूं थर्टी आप ले सकते हो मुझे ये बताओ ओके कि किसको यहां जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं किसको अवो एटी चाहिए टैक्सेशन में फटाफट -फड़ बोलो मैं वेट कर रहा हूं आपका किसको अवो एटी चाहिए बोलो किसको वो एटी चाहिए बोलिए बेटा मैं आपका वेट कर रहा हूं यस yes, ये ना स्पिरिट अरे एट्टी मत सोचो एटी तो लेंगे ही हंड्रेड सोचो हंड्रेड आपने सोचते हो तो एटी मिलेंगे एटी मिलेंगे तो बिल्कुल टारगेट रखो कि चाहिए यार और मौज मस्ती करते हम लेंगे मौज मस्ती करके आपको कह दू ना आपने अगर यहाँ पे थर्टी फाइव आई में ले लिए मिनिमम थर्टी फाइव और डायरेक्ट टैक्स में आपने फिफ्टी ले लिए ओके तो यहाँ हो गया एटी हो गया एटी मिल गया आपको तो ये आपका वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा टैक्सेशन वैसे लोगों का हार जाता है पर लेट मैं हूं ओके okay, आपको वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट में बनाऊंगा चलिए बेटा बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा ओके okay, आप सब ओके okay, यहाँ पे अबो एटी जाओगे मेरी बेस्ट है और हमारा पढ़ाना और आपका साथ ये ऊपर लेके जाएगा आपको तो इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं इसलिए मैं बस लास्ट कंक्लूड करूंगा रिपीट कर रहा हूं लेकिन मैं कंक्लूड करूंगा कि दोस्तों यहां पे जीएसटी को या इनकम टैक्स को ऐसा मस्त समझना कि है और वर्ड वर्ड टू लर्न करनी पड़ेगी उससे उससे पगला कोई कोई नहीं 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 होगा होगा जो जो मगप करेगा उससे, okay, यहां पे पे नालायक रट्टा मारेगा बिल्कुल करना करना okay, मैं जैसा वैसे ही ही चलिए ये तो ही हमारा स्टडी मटेरियल नेक्स्ट आपको जैसे बताया ये मैं तो डेज में थर्टी फाइव सेशन लूंगा ओके okay, इसमें संडे वनडे एक्सक्लूड होगा कभी छुट्टी रही तो वो भी एक्सक्लूड होगा ओके इसलिए मैं पहले पांच दस दिन ज्यादा बता बताते तो तो बेटा क्योंकि सोलह साल हो गए अब मेरी भी पर्सनल लाइफ है ओके okay, तो कभी कभी क्या होता है कि अब टाइम नहीं दूंगा तो अब सोलह साल बाद तलाक लेना मुझे पॉ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ओके वैसे मिल जाए तो अच्छी बात है जस्ट कह चुकी है ओके मेरे वाइफ को बात बता देना भाई ओके तो डेज यहां पे थर्टी फाइव डेज हो गए उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ आवर्स की बात तो नंबर ऑफ आवर्स मैंने आपको कह दिया हंड्रेड टू हंड्रेड एंड फाइव अवर्स का ये कोर्स रहेगा क्लियर यस और नो जोर से बोलो ठीक है सर उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे हाँ अब आते हैं बुक मटेरियल पे अब आते हैं बुक मटेरियल पे अगर हम जीएसटी की बात करें फिर जाएंगे अमेंडमेंट्स पे सर ठीक है तो अब ये बुक मटेरियल जैसे मैं आपको ये बताऊँ तो ये मेरा रेगुलर uh, मॉड्यूल है वैसे कवर पे मत जाना आपको कवर चेंज करके मिल जाएगा ये लास्ट बैच का था तो ये रेगुलर मॉडल है ऐसे तीन रेगुलर मॉड्यूल्स ओके जो क्लास नोट्स कही जाती है ऐसे तीन मॉडल आपको मिलेगा ओके वन ओके टू एंड थ्री ओह सर इतना पढ़ना है अरे जीएसटी हमें सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है जीएसटी हमें सीखने के लिए पढ़ना है नालायक ओके okay, तो ये तीन मॉड्यूल लेकिन ये आपको ऐसा लग भी रहा होगा किसी को तीन लेकिन अगर इसको बहुत इफेक्टिवली ड्राफ्ट करें तो हंड्रेड हंड्रेड एंड टेन पेजेस हो गए पर मेरे मटेरियल में मैंने इसको कैसे डिज़ाइन किया रेगुलर मटेरियल तो मैं अपने क्लास नोट्स की बात करूंगा ध्यान से सुनिएगा क्लास नोट्स की बात करूंगा और नेक्स्ट बात बेटा आईसीएआई का मटेरियल आईसीएआई का मटेरियल अगर आप मेरी क्लास दो क्लास नोट देखो ना तो बड़ी शिद्दत से मैंने इसको डिजाइन किया है बेटा बड़ी शिद्दत से डिजाइन किया है मैंने ओके okay, अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा <coughs> मैंने यहां ये यह बनाते वक्त ठीक है अब ये हमारा पहला मॉडल है कि ये बनाते मैंने बहुत बहुत कि यहां पे, अगर आप तो पिक्टोरियल से, से की की है, तो है मुझे पूरा इंडिया समझाना है कि स्टूडेंट नोट्स तो तो मैंने, मैंने जैसा हमारा कंसेप्ट हो जाए कंसेप्ट होने के बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है तो वो केस में यहां पॉइंट्स हम इंपॉर्टेंट स्टूडेंट नोट्स में लिखेंगे तो इस तरह से पूरा कंप्लीटली पिक्टोरियल

अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे ओके okay, ये फैक्ट्री टर्क ओके जीएसटी okay, लगता कैसे ईवे बिल के बारे में आपने सुना होगा तो ये बिल कैसे होता है हर चीज आपको यहाँ डायग्राम में हम लिखते जाएंगे उसकी नोट्स भी लिखते जाएंगे लेकिन ओके okay, फिर ये आपने मेरे साथ पढ़ तो लिया फिर एक बच्चों का सवाल आता है कि सर ये बताइए कि यहां पे हमने जो है ओके okay, अब क्वेश्चन आंसर कैसे होना चाहिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन आंसर केस स्टडी वगैरह रहेंगे तो ये कैसे करना ओके okay, तो इसके बारे में मैं जैसा आपको बता ओके okay, तो हमारी क्ला यहां पे मॉड्यूल्स जो आएंगे ये तीन मॉड्यूल आएंगे मैं साइड में लिख देता हूं मॉडल्स जो होंगे एम वन एम और एम थ्री ऐसे आपको तीन मॉड्यूल्स आएंगे, ठीक है अभी आपको सिर्फ डिजिटल कॉपी दी जा रही है डेमो की जिसकी प्रिंट आउट आपने ले लेना कल मैंने एक डेमो लेक्चर डाला था ओके इन्फो, उसमें एक लिंक दी है नहीं तो ये लेक्चर के बाद वापस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ठीक है उसके बाद में आती है हमारा क्वेश्चन एयर ओके ये क्वेश्चन एयर क्वेश्चन एयर ये हमने नाम रखा है ओके okay, इसका वन बुक आपको मिलता है अब ये क्वेश्चन क्या होता है बेटा ये क्वेश्चन बैंक होती है कि आपने सब पढ़ तो लिया ओके ध्यान से सुन लिया आपने सब पढ़ तो लिया पर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं तो मैंने मटेरियल में लगभग दो सौ कवर किए हैं मैंने मटेरियल में 200 सौ क्वेश्चन कवर किए हैं पर इन एडिशन टू दैट यानी वो तो पढ़ाते पढ़ाते कंसेप्ट तो मैंने किया ही है इन एडिशन टू दैट आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है देखो ओके okay, इसमें 300 हंड्रेड क्वेश्चन और एमसीक्यू कवर्ड है थ्री हंड्रेड क्वेश्चन और एमसीक्यू कवर्ड है यानी आपके एडिशनल प्रैक्टिस के लिए ये आप खुद सॉल्व करें जिसमें सभी पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन आरटीपी क्वेश्चन ओके मैं तो लूगा ही कुछ पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन लेकिन इन एडिशन टू दैट आरटीपी क्वेश्चन पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चन मैंने

स्टार्ट से लेके एंड तक हर लाइन पे क्वेश्चन बना हुआ है हर लाइन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेटा, यहां पर अगर हम देखें तो थर्ड आता है चार्ट चार्टिविजन ओके okay, मैं क्लास में तो चार्ट्स बनवाता हूं पर इन एडिशन टू दैट एक मिनट में यहां पे चार्ट लिया था ओके okay. ये होते बेटा वॉल चार्ट्स ओके okay. ये चार्ट्स का इंपोर्टेंस आपको बता देता हूं ओके okay. जैसे अब आपने रेगुलर कोर्स पढ़ लिया क्वेश्चन यस पढ़ लिए लेकिन अब जो है ना बेटा आपको रिवाइज करना है फास्ट रिवाइज करना है तो ये पूरा चार्ट होता है इसको मैं थोड़ा ओके okay, स्क्रीन पे लाता हूं तो ये स्क्रीन पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जैसे एग्जांपल के तौर पे जस्ट 2 मिनट्स बेटा हां एक चार्ट लेता हूं तो आपको समझ में आएगा जैसे ये अगर आप चार्ट देख रहे हो स्क्रीन पे ये चार्ट देख रहे हो बेटा स्क्रीन पे ओके तो ये जो चार्ट है ये चार्ट में लगभग ओके सिक्स चैप्टर्स ओके फाइव टू सिक्स चैप्टर्स कवर किए हुए हैं

ठीक है इतना कोर्स मटेरियल आपको आएगा अब आपका एक सवाल हो सकता है ओके okay, और वो सवाल ये कि सर अब आपने तो कोर्स मटेरियल दे दिया आपने मॉड्यूल दे दिए फिर सेकेंड टाइम हमने क्वेश्चन आंसर में डिस्कस कर लिया थर्ड टाइम क्विक रिवीजन कर लिया इसे दो चार्ज बना के दिए जीएसटी के फिर ये बताइए सर ओके okay, अब आईसीएआई का जो मटेरियल हमको आया है उसका क्या करें ओके okay, क्या वो हमें पढ़ना चाहिए बेटा दम है तो पढ़ लो <laughs> दम है तो पढ़ लो ओके यहां पे अब बेटा मैंने सब कुछ कवर कर लिया हमारा मटेरियल आईसीएआई के नोट्स के हिसाब से बना है ओके रेगुलर मॉड्यूल क्वेश्चन बुक ओके तो ऐसे केस में आपको आईसीएआई मटेरियल ओके पढ़ने की जरूरत नहीं है तो सर क्या कहते हैं इसको रद्दी में बेच दे नहीं नहीं हमारी आईसीआई रद्दी मत बेचो रखो ओके okay, दस साल बाद पंद्रह साल बाद बीस साल बाद जब आपके बच्चे रहेगे या आपके आर्टिकल रहेगे तो बताना कि देखो मैंने कितना पढ़ा था ओके okay, वैसी बड़ी बड़ी बुक ना रखने में मजा आती है आपको आपको बताने में मजा आता है देखो मैंने कितना पढ़ा था यहां देखो ओके okay, तो मैंने भी अभी तक रखी है दो की बुक्स फाइनल की बड़े बड़े मटेरियल ओके okay, मैंने खरीद के लाए तो रखी है और किसी भी ये बता बताता था, था मैं सब जो भी आप देखो मैंने कितना पढ़ाया था सामने वाला अच्छा अच्छा कितना पढ़ाया तूने <laughs> तो यहाँ जो भी है बेटा तो जहां तक है आई सी ए आई मटेरियल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको आई रिपीट आपको कोई भी जरूरत नहीं है बस मैं जो मटेरियल दे रहा हूँ दैट्स इनफ ओके ये था अबाउट अवर बुक मटेरियल ठीक है और ये आपको अभी नहीं मिलेगा अभी सिर्फ डि डिजिटल कॉपी मिलेगी जिसकी प्रिंट आपको लेनी पड़ेगी ये पंद्रह फेब के पहले हम पूरा मटेरियल बना के अपडेट करके आपको डिस्पैच कर देंगे ठीक है सो so, चलिए अब आगे का डिस्कशन स्टार्ट करें ये रही हमारी बुक मटेरियल्स के बारे में नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स के बारे में अमेंडमेंट्स के बारे में ठीक है सर हमारा अटेम्प जो है ध्यान से सुनिएगा सर हमारा अटेम ना ओके ये जो आ रहा है ये आ रहा है मे ट्वेंटी वन में तो क्या करें बताओ सर बताओ क्या करें या नवंबर ट्वेंटी वन में तो अमेंडमेंट्स आप किस तरह से कवर करते हो देखो हमारे आईसीए के अनाउंसमेंट के हिसाब से आई की अनाउंसमेंट के हिसाब से यहां पे अगर आपका टेम मे ट्वेंटी वन है तो कट ऑफ डेट ओके कट ऑफ डेट फॉर अमेंडमेंट्स ओके अरे यार ये क्या तकलीफ जाने दो हाँ तो यहाँ पे कट ऑफ डेट जो है फॉर अमेंडमेंट्स जो रहेगी प्लीज़ बेटा टाइम पास मत करो प्लीज़ टाइम पास मत करो यहाँ पे तो ये रहेगी मे के लिए थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी और नवंबर के लिए यहाँ पे थर्टीत अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी अक्टूबर तक की अमेंडमेंट्स आपको मे अटेम के लिए छह महीने पहले तक की आई रिपीट ओके तो यहां पे बेटा एक सवाल आया मैं वो भी ले लेता हूं मेरे बुक में सब कुछ मिलेगा जो आईसीआई के मटेरियल में सभी क्वेश्चन मेरे बुक में आ जाएंगे वही अपडेशन चालू है बेटा आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि वो मटेरियल आईसीआई के मटेरियल में है और मेरे बुक में कवर नहीं एवरीथिंग एक बार फिर से आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कह एवरीथिंग लंबी सांस लो जोर से छोड़ो 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 तो सब कुछ आपको मिल जाएगा बेटा यहां पे तो आपका अटेम्प्ट है तो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर हमारी कट ऑफ डेट होती है तब तक की यहाँ पे अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल होती है अक्टूबर के बाद नहीं मतलब यहाँ पे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च जो भी है ओके इसके अमेंडमेंट्स आपको अपलीकेबल नहीं होगी अक्टूबर तक की होगी जो मेरे बुक्स में सभी अमेंडमेंट्स कवर है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मेरी बुक कंप्लीटली अमेंडेड है अभी तो फाइनल के लिए कंप्लीट किया बेटा उसमें से आपको देना है ओके okay, और नवंबर ट्वेंटी के लिए थर्टीथ अप्रैल अब जो स्टूडेंट नवंबर 21 में या जिसका भी अटैम्प्ट नवंबर 21 में आएगा उनके सवाल हो जाएंगे सर ये बताइए कि यहां पे ओके <coughs> okay, आप तो क्लास अभी ले रहे हो फेबर मार्च में तो हमारी अमेंडमेंट्स तो थर्टी अप्रैल तक की रहेगी तो वो कैसे कवर करेंगे तो बेटा यहाँ जो अमेंडमेंट्स आपको करना है यहां इसके लिए तो कोई एडिशनल लेक्चर नहीं पर अमेंडमेंट का एडिशनल लेक्चर आपको करना पड़ेगा अमेंडमेंट का एडिशनल लेक्चर आपको करना पड़ेगा अच्छा सर ये एडिशनल अमेंडमेंट का लेक्चर करना है ओके okay, तो बताओ बताओ कैसे ये एडिशनल लेक्चर करना पड़ेगा तो ये एडिशनल लेक्चर जो है बेटा आपको जो है ओके okay, ये एडिशनल लेक्चर कुछ नहीं है ऐसे दो लेक्चर्स आएंगे मुश्किल से दो लेक्चर्स आएंगे उससे ज्यादा नहीं आएंगे बड़ा तो एक आधा बढ़ेगा उससे ज्यादा नहीं आएगा दो लेक्चर्स आएंगे और ये लेक्चर आएंगे आपकी आरटीपी आने के बाद तो अप्रैल आपका नवंबर अटेम्प्ट है नवंबर 21 की आरटीपी अगस्त में आ जाती है इसलिए ये ओके मिड ऑफ अगस्त एक्सपेक्टेड डेट मिड ऑफ अगस्त में आपको नोट्स के साथ सब कुछ मिल जाएगा ओके okay, नोट्स के साथ सब कुछ मिल जाएगा मिड ऑफ अगस्त में क्लियर यस और नो तो आपको नोट्स के साथ मिल जाएगा ओके okay, यानी वीडियो लेक्चर्स आ जाएंगे यूट्यूब पे आ जाएंगे मैं लाइव देता जाएगा मिड ऑफ ऑगस्ट आर आने के बाद आर तीसरे दिन आती लेक्चर अपलोड हो जाता है ओके okay, तो यहाँ पे क्यों क्योंकि बहुत सी बार कुछ अमेंडमेंट्स इंटर को अपलीकेबल नहीं होती है फाइनल को अप्लीकेबल नहीं होती है तो दोस्तों आरटीपी देखना बड़ा जरूरी हो जाता है तो मिड ऑफ ऑगस्ट में दो से तीन लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे अमेंडमेंट्स के सर अमेंडमेंट मतलब क्या पूरा एक्ट ही बदल जाता है सब्जेक्ट ही बदल जाता है ना मुन्ना ना ऐसा नहीं होता है सुनो 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 ना ना बेटा ओके ऐसा नहीं होता है ओके अमेंडमेंट्स मतलब

<laughs> चलिए थैंक यू थैंक यू बेटा चलो आपके कोई डाउट्स और क्वेश्चंस होगा तो बताइए ना <laughs> <No, laughs> एक सवाल है सर और नोट्स आर मोर हैरी पॉटर सीरीज थैंक यू लेकिन ना यूट्यूब ने आपको बड़ा फ्रीडम दे दिया फेस टू फेस क्लास में होते ना तो आपके मुंह में ये ताकत नहीं होती है बोलने की पर कोई बात नहीं बिंदास हो बेटा मैं आपका फ्रेंड समझो आपको जो कहना है पर पर डिसिप्लिन में ओके आपको जो मजाक करना है आप करो कर सकते हो हाँ मेरी मटेरियल में पूरा आई का लैंग्वेज है वो लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता बेटा मैं आपको आपकी उतनी मैच्योरिटी ला के दूंगा फाउंडेशन के बाहर निकल जाओ मैं जैसा बोल रहा हूँ सिंपल और सोबर लैंग्वेज में लिखने का मार्क्स लेने का यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी ऑन लाइव स्ट्रीमिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी चलिए डेली हमारी डेढ़ घंटे की क्लास रहेगी अब आते हैं नेक्स्ट आपके डाउट सेशन पे ओके okay, आपके डाउट सेशन पे कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमारे डाउट्स कैसे सॉल्व होगे ओके okay. आपके जो भी डाउट्स और सेशन होगा सबसे पहले तो आप हमारा WhatsApp यूज करते हो WhatsApp नंबर आपको मिल जाएगा नोट्स के नीचे होता है वो WhatsApp नंबर जो है आप उस पे डाउट्स पूछ सकते हो ठीक है WhatsApp पे नाउ उसके बाद में ये स्पेलिंग वेलिंग की तरफ ध्यान मत देना मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता स्पेलिंग की तरफ ओके कंसेप्ट की तरफ ध्यान देना तो यहाँ सेकेंड आप मेल कर सकते हो लेकिन व्हाट्सअप मोर कन्वीनियंट है ओके okay, हमारा टेलीग्राम चैनल तो वन वे रहेगा मैं सिर्फ वहां डाउट्स एंड आपको बताऊंगा जो जनरल डाउट्स है वो डिस्कस करूंगा नेक्स्ट बेटा अब अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग में हो अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो वहीं के वहीं आपके डाउट्स एंटरटेन हो जाएंगे इमीजिएटली एंटरटेन हो जाएगी आपके डाउट्स लेकिन अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग में आपका नंबर नहीं लगा ओके okay, तो कोई दिक्कत नहीं है आपने पीडी कोर्स किया या आपने ओडी कोर्स किया ओके okay, मैं पहले ही कह सकता हूं बेटा कि ये सिलेक्टेड लोग ही ली जाएगी लाइव स्ट्रीमिंग में वो भी यहां पे लकी ड्रॉ के बेसिस पे तो ये डाउट्स आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो व्हाट्सएप ऐप पे पूछ सकते हो ओके नाउ इसके लिए टोटल हमारे ओके okay, मेरी जीएसटी रिसर्च टीम में ओके टोटल नाइन ओके नौ लोग काम कर रहे हैं देर आर नाइन रिसर्च असिस्टेंट्स आर ए नाइन रिसर्च असिस्टेंट जो यहाँ पे सीए है ओके okay, और दो लोग जो है सीए फाइनल लेवल पे हैं वो आपका व्हाट्सएप क्वेरी सॉल्व करते हैं नाउ इसमें भी अगर आपका बहुत अच्छा क्वेरी है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप लिख सकते हो कि फॉरवर्ड टू सर रोज एक से डेढ़ घंटा वो क्वेरीज जो है मेरे पास आती है और मैं सॉल्व करता हूँ तो इस तरह से आपके व्हाट्सएप डाउट सॉल्व किए जाएंगे नेक्स्ट थर्ड थर्ड बेटा मैं यूट्यूब पे वीकली एक बार आऊँगा यूट्यूब पे वीकली एक बार आऊँगा फॉर डाउट सेशन डाउट सेशन ओके तो मैं वो टाइमिंग आपको बता दूंगा ओके okay, YouTube पे हर पंद्रह फिफ के बाद वीकली एक बार यूट्यूब पे आऊगा दो घंटे के लिए और उसमें आपके मोस्ट ऑफ द डाउट सॉल्व करूंगा ठीक है तो हम इस तरह से कर पाएंगे डाउट सेशन सॉल्व नेक्स्ट मैं ये भी कोशिश करूंगा कि कोई स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है कोई भी जूम वगैरह रहेगा मैं अभी उसका एश्योरेंस नहीं देता हूँ पर स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर में आप कनेक्ट हो सकते हो लेकिन मैंने फाइनल के लिए एक्सपेरिमेंट किया था उसमें बहुत स्पैम आते हैं और बहुत परेशान करते हैं लेकिन अगर आप डिसिप्लिन जो अपने स्टूडेंट हैं मैं स्पेशल लिंक उन्हीं स्टूडेंट को दूंगा जो अपने स्टूडेंट है जो जूम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और ऑडियो में डाउट पूछ सकते हैं मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप राइटिंग से ज्यादा ऑडियो में डाउट पूछे ऑडियो में अगर आप डाउट पूछे तो हमारी टीम को भी समझना आसान जाता है मुझे भी समझना आसान जाता है और आपको राइट right फीडबैक और राइट right आंसर आपको मिलता है तो ऑडियो पूछे तो ज्यादा अच्छा है ओके okay. So, यहां चैनल का नेम जो है लाइव ये सब ये सब जो इंफॉर्मेशन है ना जब हमारा कोर्स चालू होगा आई रिपीट जब हमारा कोर्स चालू होगा सब आपको दे दी जाएगी कौन से चैनल पे आपको ज्वाइन होना है यूट्यूब यूट्यूब के कौन से चैनल पे ज्वाइन होना है सब ओके okay, आपको दे दी जाएगी डोंट वरी फॉर दैट ठीक है व्हाट्सअप नंबर नोट्स के नीचे लिखा रहेगा वो व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द डाउट सेशन किस तरह से सॉल्व हो गे? पर बेटा हम कोशिश करेंगे कि डाउट जो है आपका जल्द से जल्द सॉल्व करें पर मिनिमम 24 फोर पे ट्वेंटी फोर आवर्स का आपको टाइम देना पड़ेगा 24 से 48 एट का टाइम देना पड़ेगा ओके तभी आपके डाउट सॉल्व हो सकते हैं ठीक है, है? लकी ड्रॉ कब ओपन होगा तो बेटा ओके यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए 15 फेब के पहले आपको एक विश लिस्ट करके एक जैसा हमारे वी स्मार्ट चैनल पे अभी जैसा मैंने बताया ओके वैसा ही आपको एक लेबल मिल जाएगा वहाँ सिर्फ आपने अप्लाई कर देना है रजिस्ट्रेशन कर देना है उसके बाद में आपको मेल आ जाएगा आपका मेल आई देना है आपको मेल आ जाएगा बेटा अब मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए बेटा मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर ओके जैसे फाइनल लेवल पर भी ओके यहाँ पिछले दो महीने में दो रजिस्ट्रेशन हुए थे तो मैं तो चाहता हूँ कि सभी हो जाए पर वो क्रैश जाएगा हम स्टूडेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम स्टूडेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है बेटा टेलीग्राम चैनल वगैरह जो है बेटा आपको मिल जाएगा चलिए बस मैं इससे ज्यादा आपके डाउट जो है ओके okay, सॉल्व नहीं करूंगा यहां तक तो ठीक है अब हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं अबाउट जीएसटी चलिए आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी आ जाता है पहले सेशन में बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ये हमारा पहला चैप्टर है इसकी नोट्स आपने डाउनलोड और प्रिंट कर ली होगी नहीं तो ये लेक्चर के बाद मैं फिर से उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन कॉलम में ऐड कर दूंगा ओके okay, तो वो लिंक से आप नोट्स डाउनलोड कर लेना प्रिंट जरूर कर लेना मुझे लगेगी दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा मुझे यहाँ पे 200 पेजेस की आपका रजिस्टर्ड चाहिए ओके यानी राइटिंग नोट्स चाहिए मैं बहुत सी केस स्टडी और चार्ट्स आपसे ड्रॉ करवाऊंगा मैंने नोट्स में स्पेस दिया होगा तो वहां ड्रॉ करेंगे यहाँ स्पेस नहीं होगा तो वो ओके okay, बुक में ड्रॉ करेंगे दूसरा ओके कलरफुल पेन चाहिए अलग अलग कलर्स के पेन अपने साथ में रखना जो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान देना है चलिए सो स्टार्ट करें जीएसटी आर यू रेडी जोर से बोलो हां Are you ready, बेटा जोर से बोलो हाँ ठीक है चलिए इस चैप्टर में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी ऑफ जीएसटी मैं आपको जीएसटी का इंडेक्स और उसके सेक्शन अभी पढ़ाने वाला नहीं हूँ ना उसको बताने वाले हो कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। वो बाद में ये मॉडल में हम देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है ओके okay, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 से लेके अभी तक जो एक्साइज चला सर्विस टैक्स चला सेल्स टैक्स चला कस्टम चला ब्ला 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 ओके okay, इतने सारे एक्ट चले फिर सबको एक दिन ओके okay, मोदी जी रात को बारह बजे आए और कहे ये मित्रों ओके okay, और यहां मर्ज कर दिया और वो जीएसटी ला के आए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मोदी जी ने तो कहा गुड्स एंड सिंपल टैक्स ये जीएसटी क्यों लाया गया ये ओके okay, और जहां तक देखा जाए जीएसटी क्या अप्रोच से लाया गया वन ऑफ द बेस्ट मॉडल लाया गया मोदी जी ने यह काम तो किया पर इंप्लीमेंटेशन कहां फेल हो गया ओके okay, जीएसटी लाने की जरूरत क्या थी ओके okay, और जीएसटी आज आज जीएसटी में क्या प्रॉब्लम आ रहे वो भी बताओगे लेकिन ये चैप्टर में ये सब कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे ठीक है तो यहां पे बेटा <coughs> टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने यही दिया कंसेप्ट ऑफ टैक्स टैक्स है नहीं क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ लेवी इंडायरेक्ट टैक्स क्यों लगाया जाता है क्यों, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यस यसूट प्रोविजन ओके तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लगाना चाहिए कैसे होना चाहिए और यार इसको लेवी कैसे करना चाहिए ये हम देखेंगे ठीक है अगर यहां मैं बच्चे जैसा कर रहा हूं और किसी को पीजे लग रहा होगा तो लगने दे मुझे आई डोंट केयर इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ज्यादा प्यार हो जाता तो सह नहीं पाता ओके okay, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडक्स भाई इंडायरेक्ट क्या प्रिंसिपल है किस प्रिंसिपल पे टैक्स लगता है ओके okay, ये भी देखेंगे और यहाँ इंडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है कैसे किया जाता है कौन सा मिनिस्ट्री करता है ओके okay, किस तरह से इसको देखा जाता है वो भी हम इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे ठीक है चलिए उसके बाद में कुछ मीनिंग ऑफ जीएसटी ये बैकग्राउंड देखने के बाद फिर जीएसटी पे आएंगे फिर जीएसटी का मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है आईटीसी कंसेप्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई बताएगा व्हाट डू मीन बाय आईटीसी इनपुट टैक्स मैं वेट करता हूं कोई बताएगा बेटा व्हाट डू मीन बाय आईटीसी इनपुट टैक्स यस मैं वेट कर रहा हूं आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कंसेप्ट कभी कुछ पढ़ा क्या इसके बारे में कभी कुछ पढ़ा क्या बेटा इसके बारे में इनपुट टैक्स क्रेडिट यस मुक्ता इशिका जैनल प्रियांशु आप क्या लोकेश क्या कहोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में ऑन से छूट लेना सेल्स टैक्स एग्जाम परचेसिंग टैक्स सेटिंग ऑफ यस करेक्ट 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 है आपका सत्यम समृद्धि आप भी सही कह रहे हो uh, नाजमीन बिल्कुल नाजमीन तेरा आंसर तेरा तो अच्छा लगा सर कुछ पता ही नहीं नो no आइडिया सर चलो कोई बात नहीं टैक्स क्रेडिट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑन सेल परचेस वगैरह ओके चलिए आपने अच्छे आंसर दिया पर मैं आपको बताऊंगा कि आईटीसी टी क्यों आया क्या कैस्केडिंग इफेक्ट है क्यों गवर्नमेंट को लगा के आई टी मिलना चाहिए क्यों 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 पूरा पढ़ेंगे क्यों ओके okay, ऐसा आपने क्यों करना चाहिए ओके okay, तो जहां तक देखा जाए बेनिफिट ऑफ जीएसटी जीएसटी और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम इसमें देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं नो व्हाट इज टैक्स ओके okay, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपने डीटी का क्लास टी किया होगा तो बता होगा व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स पढ़ के मत बताना पढ़ के मत बताना ओके okay, आप मुझे एक सवाल पूछ रहे हो होके okay, और मैं यहां हूं वैसे तो अभी मैंने बाल बना लिए प्लांटेशन कर लिया तब बाल नहीं थे तब का फोटो है ओके अब नालायक कोई ये नहीं पूछेगा कि सर प्लांटेशन कहा करवाया कितने कॉस्ट हुई एक बाल कितने में कॉस्ट लगा दो दूग, खींच के नालायक ओके okay, सर so चलिए यहाँ पे टैक्स है क्या बताइए फटाफट वॉट डू मीन बाय टैक्स ओके आपके आंसर सही आ रहे हैं टैक्स का मतलब क्या कोई आंसर दे रहा है ओके डिरा फ्रॉम लैटिन वर्क टेक्सा अरे भाई टेक्सा कोई तू टेक्सा से अमेरिका जा रहा है क्या टेक्सा नहीं टैक्सो है वो लैटिन वर्ड टैक्सो बिल्कुल सही है ओके okay, जहां तक देखा जाए तो लैटिन वर्ड टैक्सो से डिले होता है <laughs> एक अमाउंट जो आप गवर्नमेंट को देते हो देखो भाई आपको एक बात बताओ क्या गवर्नमेंट की कुछ जिम्मेदारियां है इतना बड़ा ओके okay, ये इंडिया उनकी फैमिली है सबको संभालना है पब्लिक को संभालना है ओके okay, तो उन वो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट खत करना है वेलफेयर कॉस्ट करना वेलफेयर पे कॉस्ट इनकर्ड करना है उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और गवर्नमेंट पैसा पैसे वालों से लेगी और पैसा खींच के लेगी ओके okay, तो पैसे वालों से पैसा लेगी तो ऐसे सिचुएशन में टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है ओके okay, जो गवर्नमेंट फोर्सफुली एनफोर्स करता है फोर्सफुली यानी आपकी मनमानी नहीं, नहीं है वॉलंटरी डोनेशन नहीं है फोर्सफुली है तो क्या सर हमें इस इसे टैक्स को हफ्ता कह बेटा हफ्ता ये वर्ड अच्छा नहीं है पर अगर आप डीप में जाओ तो हफ्ता ही है पर गवर्नमेंट के लिए हफ्ता ये वर्ड यूज करना गलत है पर डीप में जाओ तो हफ्ता ही है ओके okay, बट देखा कभी कभी ना हम ऐसे डीप में जाएंगे क्या आप डीप में जाते हो कभी कभी डीप में सब्जेक्ट के बोला सब्जेक्ट के तो आपको अगर ऐसे डीप में जाना है तो ये जो है आप ओके okay, जैसे बहुत सी बार वर्ड्स के बियॉन्ड उसका मीनिंग क्या है उसका ऑब्जेक्ट क्या है जैसे मैं आपको कहूँ तो यहाँ पे okay, एक सॉन्ग मुझे याद आता है चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना हाय 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 मजा आ जाएगा तो ऐसे केस में जहाँ तक है टैक्स जो है बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट को एक हफ्ता ही है पर लीगल हफ्ता है फोर्सफुली गवर्नमेंट ये चार्ज कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट को पूरे कंट्री को संभालना है वो स्टेट को संभालना है वो एरिया को संभालना है तो गवर्नमेंट फोर्सफुली आपसे पैसा ले रही है ओके okay, आप कह सकते हो एज अ पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू मैं देख रहा हूँ ओके okay, ये सब स्टूडेंट जो जवाब दे रहे हैं ओके विजय सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया वेरी गुड ओके मजा आ जाएगा यहाँ पे दर्शन सर विजय सर बेटा मेरे स्टूडेंट थे <laughs> लेकिन नो no डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मेरे से भी अच्छा पढ़ाते हैं ओके टू थाउजेंड के बैच के मेरे स्टूडेंट्स हैं चलो जो भी है तो यहां जहां तक देखा जाए तो आ, एक फाइनेंशियल बर्डन है एक लैटिन वर्ड से है टेक्सो वर्ड से आया और यहां पे टैक्सेस जो है इसको डिवाइड किया गया ओके और डिवाइड इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें डिवाइड किया मैं ज्यादा कुछ तो पढ़ूंगा नहीं गवर्नमेंट को अपने खर्चे निकालने के लिए पैसा चाहिए ओके तो जहां तक देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर है ओके दिया इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन है हेल्थ है मिलिस ओके डिफेंस है मिलिट्री है ओके वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज बी वेलफेयर सोशल रिस्पॉसिबिलिटीज वो सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए टैक्सेस ये दो इसमें डिवाइड होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस <laughs> सेजल टैक्स इज हेडेक टू पीपल मान लेता हूं तुम्हारी बात कि हाँ थोड़ा हेड तो है <laughs> पर ये डेफिनेशन एग्जाम में मत लिखना ओके okay, अगर पूछा नहीं पूछेंगे लेकिन एग्जाम में पूछ लिया कि सर व्हाट डू मीन बाय अटैक तो सर इट्स हेडेक हेडेक टू पीपल नो नो मैं कुछ नहीं लिखोगे ऐसा मत करना चलो जो भी है तो यहां पे जहां तक देखा जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या डिफरेंस है बेटा ते डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बोलो फटाफट मैं आपसे आंसर चाहूंगा चलिए बताइए डिफरेंस क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में बोलो बोलो थोड़ा इंटरेक्टिव चाहिए फिर तो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको आपको पर ये इंटरेक्टिव रहेगा तो मजा आएगा इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन लाइ ऑन अस एंड इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन इज ऑन अदर्स ठीक है इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बता देता हूं डायरेक्ट टैक्स ओके ये किसने आंसर दिया परुल परुल ओके यहां पर डायरेक्ट टैक्स जो है आ, ये डायरेक्टली बोर्न बाय पर्सन कंसर्न मतलब वो डायरेक्ट बर्डन हमारे पे आएगा ओके okay. ये यहाँ हेडेक हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स हेडेक नहीं होता इट इज ट्रांसफरेबल भाई ओके okay, या एक पर्सन से दूसरा पर्सन ओके या देता कौन है भरता कौन है ओके okay, तो यह अलग अलग ये ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन इनडायरेक्ट टैक्स दूसरा कोई डिफरेंस डायरेक्ट टैक्स एक डिफरेंस हो रहा है टैक्स विच इज लिविड ऑन अ पर्सन डीटी शिफ्टिंग ऑफ बर्डन फ्रॉम वन पर्सन टू और कोई डिफरेंस ठीक है ये तो बेसिक डिफरेंस है और कोई डिफरेंस डायरेक्ट हाँ. टैक्स वज, वन जांगी, श्रावण, ओके okay, श्रावण ने ये आंसर दिया है डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर इन डायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर डी दिल पर लगता है डी <laughs> दिल पे लगता है तो आई <laughs> सर पे लगता है चलो ठीक है अच्छा डिफरेंस है ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल चलिए जो आपने डिफरेंस दिए वो यहां पे लेता हूं कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है यहां पे कि सर डायरेक्ट टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स यहां ध्यान से सुनिएगा ओके कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि डायरेक्ट टैक्स जो है बेटा डायरेक्ट टैक्स ये जो है लिविड ऑन अ पर्सन पर्सन कंसर्न जो डायरेक्ट बर्डन है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ओके okay, ये ट्रांसफरेबल है पे कोई करता है मतलब यहाँ भरता कोई है देता कोई है यानी यहाँ पे जो है यहाँ ओके एक पर्सन करेगा पर ट्रांसफरेबल टू अनादर पर्सन कुछ स्टूडेंट्स ये है कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो है ओके okay, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स जो है वो ओके okay, ये डिफरेंस आपका डीटी में हुआ तो भी मुझे अलाउ करो यार ओके okay, मैं आपको वो लेवल पे लेके जाऊंगा ना यहाँ से कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा ओके okay, जस्ट मुझे अलाउ करना डायरेक्ट टैक्स जो है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर प्रोग्रेसिव नेचर इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर चलो ये भी बात में से समझ में आती है उसके बाद में उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू ज़्यादा है इनडायरेक्ट टैक्स का कम है या इनडायरेक्ट टैक्स का ज़्यादा है डायरेक्ट टैक्स का कम है ओके okay, चलो बहुत सारे आपके डिफरेंस आएंगे बहुत अच्छी बात है लेकिन अब बेटा ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इसको समझने के लिए थोड़ा डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूं ओके okay, यहां पे देखिएगा बेटा यहां पे ऐसा तो नहीं हुआ होगा जब ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स डेवलप हुए ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि किसी ने आके खोल दी और कह दिया आज से डायरेक्ट टैक्स लगा दो और इसका बर्डन ट्रांसफर नहीं होगा किसी और पे फिर मेडिटेशन में चले गया और फिर आके हाँ खोली और कह दिया आज से इनडायरेक्ट टैक्स लगा दो इसका भी बर्डन किसी पे पास और इसका बर्डन पास ऑन कर दो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कुछ तो हुआ होगा कि जहां से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है डेवलप हुए हैं कहीं तो सोचा होगा कि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन पास ऑन ना किया जाए कहीं तो सोचा होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन पास ऑन किया जाए जैसे डायरेक्ट टैक्स ये इनकम अर्निंग एक्टिविटी में लगता है आपने इनकम अर्न किया उसके ऊपर लगता है तो इनडायरेक्ट टैक्स ये ट्रांसफरेबल टैक्स है फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन कम ऑन ट्रांसफरेबल टैक्स है फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन पर ये हुआ कैसे जैसे आज जो है क्लास चालू हुआ ओके आई अर्न सम इनकम और जो इनकम मैंने अर्न किया उसमें का कुछ टैक्स जो है मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं डायरेक्टली बट आई कैन नॉट ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन विथ होम आई एम शेयरिंग द इनकम मैं जो अपना इनकम शेयर कर रहा हूं मेरे वाइफ के साथ शेयर कर रहा हूं मेरे पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूं बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूं मेरे रिलेटिव के साथ शेयर कर रहा हूं पर मैं उनको बर्डन पास ऑन नहीं कर सक रहा हूं इमेजिन द सिचुएशन मैंने पांच लाख रुपए कमाए ओके सिचुएशन को इमेजिन करो ओके okay, समझ लो मैंने यहां पर ओके okay, आज के वैसे पांच लाख रुपए कमाए नेट इनकम कैलकुलेटर मत लेना जस्ट एग्जाम पे ले रहा हूं पांच लाख रुपए कमाए ओके okay, और ये पांच लाख में से मैंने गवर्नमेंट को यहां पे डायरेक्ट टैक्स पे किया ओके okay, अज्यूम करो मैंने पचास हजार रुपए पे किया ओके okay, कैलकुलेशन मत करना जस्ट रहा बताओ पचास हजार पे किया ओके पांच लाख में से पचास हजार रुपये किया बचे कितने मेरे पास ओके यहाँ पे पचास हजार अगर मैंने दे दिया तो चार लाख पचास हजार रुपये मेरे पास बचे हैं ओके अब मैं ये मेरे वाइफ के साथ शेयर करूंगा ओके अब मेरी वाइफ आई मेरी वाइफ ने कहा ओ जी सुनते हो मैंने कहा बोलो अब ये ओजी वगैरह कौन कहता है ओके यहाँ पे तो आजकल ओके जानू नाम से विशु ओके ऐसा चलता है किसी ने टाइप मत कर देना जानू विशु वगैरह एग्जांपल ले रहा हूं नालायक ओके तो यहाँ पे देखो लेक्चर आज का पहला लेक्चर है थोड़ा स्लो चलेगा डोंट वरी फॉर दैट लेकिन आगे आगे देखो क्या होता है कि आप रियली really बहुत एंजॉय करोगे आज तो इंट्रोडक्टरी पार्टी था ओके पहला एक घंटा और मेन जीएसटी तो अब चालू हो रहा है ओके पर जब जैसे हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में घुसेंगे जीएसटी में तो आप रियली really एंजॉय करोगे तो ओके आज के लेक्चर से ऐसा जज मत करना ओके बेटा 16 साल का एक्सपीरियंस है पूरा आपके साथ शेयर करूंगा तो जहां तक देखा जाए तो मेरी वाइफ आई और उसने कहा कि ओ जी सुनते हो मुझे पचास हज़ार चाहिए ओके पचास हज़ार अब मेरे पास तो नेट इनकम चार लाख पचास हज़ार बची थी उसमें से डायरेक्ट टैक्स मैंने पचास हज़ार इनकम टैक्स दे दिया अब मेरे वाइफ ने पचास मांगे मैंने कहा क्यों चाहिए ओके उसने कहा कि भाई शॉपिंग के लिए जाना है शॉपिंग के लिए पचास इतना ओके नहीं नहीं चाहिए पर मैं आपको कहूँ क्या वाइफ से ज़्यादा बहस नहीं करने का ओके दे देने का मेरे शादी के बाद तो ये ओके ओके बोलने की मेरे को बहुत आदत लगी है ओके आप देखोगे <laughs> आप देखोगे तो भाई इतने बार ओके कहता हूं कि आप कौन भी मत करना और हाँ कहते रहना नहीं भी समझा तो भी हाँ ये आदत लगा दो हाँ समझा सर इससे क्या पॉजिटिव एनर्जी आती है पॉजिटिव एनर्जी आती है तो ऐसे केस में मैंने वाइफ को कहा देखो भाई मैं तुम्हें दे रहा हूं पचास हजार ओके तो उसको मैंने दिए तो ओके बोला तो पचास हजार पर कैश में दिए उसको फोर्टी एट थाउजेंड फोर्टी एट थाउजेंड ओके okay, मेरे फोर्टी एट थाउजेंड दिए उसने कहा तो मुझे, मुझे तो पचास हजार चाहिए हो पचास का दे रहे हो मुझे पचास चाहिए थे मैंने कहा था जानू मैंने जो ना पांच लाख कमाए थे उसमें से पचास हजार मैंने गवर्नमेंट को दिया ओके okay, तो प्रपोशन बर्डन अब मैंने प्रपोशनट दो लिया आपने कैलकुलेटर मत लेना प्रपोशनट बर्डन पासान ओके okay, तो ऐसा समझो तुम्हें पचास मिल गए क्योंकि मैंने तो टैक्स दिया था ना तो बर्डन पास ऑन ओके okay, तो प्रोपोर्शनल बर्डन आपको दे रहा हूं मेरी वाइफ ने कहा क्या माय वाइफ इज इंटीरियर डेकोरेटर ओके क्या कुछ क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है ओके okay, बर्डन पास ऑन बर्डन पास ऑन ओके okay, तो ठीक है बड़बड़ करते चलेगी मेरी वाइफ ओके okay, ये क्या है पहली डैड ने कहा था सीए से शादी मत करना देखो कैसा है ओके okay, पचास मांगते हैं फोर्टी एट देते हैं ओके वॉट ए रिट में भी ओके वोटर इट में भी तो यहाँ फिर क्या हुआ ओके मेरे ओके मेरी डॉटर रही मेरे सर मेरा सन आया सर स्कूल ओके okay, पापा स्कूल की फीस देनी है मैंने कहा कितनी ट्वेंटी तो मैंने उनको नाइनटीन दिया और मैंने कहा स्कूल वालों को जाके बोलो कि बीस मिल गए उन्होंने कहा नहीं पापा ट्वेंटी देना है आप नाइन्टीन क्यों दे रहे हैं मैंने कहा बर्डन पास ऑन ओके okay, फिर मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि भाई बेटा दस हजार दे मैंने उनको नौ हजार दिए और मैंने जो मैंने टैक्स दिया मैंने बर्डन पास ऑन ओके okay, तो ऐसा मैं सब पे पास ऑन करते गया ना तो पता चलेगा मैं घर के बाहर ओके okay, और यहां पे सब कह रहे हैं पास ऑन ऋतिक स्टाइल पास ऑन पास ऑन पास ऑन ओके okay, तो यहां आप जिसके साथ इनकम शेयर करते हो ना बेटा उसको पास ऑन नहीं करते हो वो इनकम पे लगा है पास ऑन नहीं करते हो एक सवाल दिमाग में आना चाहिए सर क्यों क्यों देखेंगे 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 बहुत डिटेल में जाएगा डोंट वरी फॉर दैट लेकिन पास ऑन नहीं करते हो। पर इनडायरेक्ट टैक्स पास ऑन होता है आई रिपीट इनडायरेक्ट टैक्स पास ऑन होता है फ्रॉम वन पर्सन टू एन क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पर्सनल टैक्स नहीं है वो बिजनेस टैक्स है नो डाउट इनकम टैक्स भी बिजनेस पे लगता ही है सैलरी पे लगता है आपने सुना होगा सैलरी पे लगता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम पे लगता है उसके बाद में पीजीबीपी पे लगता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन उसके बाद में अगर आप देखोगे ओके okay, तो बिजनेस और प्रोफेशन पे भी लगता है उसके बाद में अगर आप देखोगे तो कैपिटल uh, गेन पे भी लगता है इन शोर अदर इनकम पे भी लगता है वो पर्सनल टैक्स है प्लस बिजनेस टैक्स है लेकिन आईडीटी प्योरली बिजनेस टैक्स है प्योरली बिजनेस टैक्स है ये आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स डेवलप कैसे हुआ और कैसे ये डिसाइड हुआ कि यह पास ऑन होना चाहिए क्या गवर्नमेंट ने डिसाइड किया या फिर या फिर ओके okay, यहां पर उसका नेचर ही पास ऑन बना कैसे तो बताता हूं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओके सुनिएगा ओके यहां दीजिएगा देखो भाई ये जो है वीरू जो है एक हजार बैग लेके वीरू जो है ध्यान से सुनना एक हजार बैग लेके वो पुराने जमाने में जब भी कोई किसी किंगडम में बिजनेस करने जाता था तो उसको किंग को कुछ गिफ्ट देना पड़ता था गिफ्ट एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड उस वो उसके एक हजार बैग्स थी और वो एक हजार बैग्स में से सौ बैग्स जो है वो किंग को दे रहा है वहां के किंग को दे रहा है 100 बैग्स बांट रहा है वो एक हजार बैग्स की वैल्यू थी आज अगर रुपीज में ले ले तो उसकी वैल्यू जो थी बेटा वो वैल्यू यहाँ पे एक लाख रुपए थी आपके पास नोट्स हो गए तो आप लिख सकते हो एक लाख रुपए थी उसमें से सौ बैग्स उसने जो है ओके वहाँ के किंग को गिफ्ट दी सर गिफ्ट क्यों दी क्योंकि जब वो मार्केट में जाएगा उसके एरिया के मार्केट में जाएगा बिजनेस करेगा तो उसको परमिशन चाहिए भाई सुना है कि ये किंगडम में ये माल अच्छा बेचा जाता है गुड्स अच्छा बेचा जाता है तो उसको वहाँ ओके बिजनेस करने की परमिशन चाहिए बेटा तो ये जो परमिशन करने के लिए उन्होंने यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो एक हज़ार बैग में सौ बैग किंग को दे दी अच्छा ये गिफ्ट दे दी फ्री दे दी फ्री बेचा नहीं तो तो वो परमिशन देगा क्यों क्योंकि क्योंकि बिजनेस बिजनेस करना करना था था एक वर्ड क्या देखो कैसे डेवलप इस मार्केट में सेल करेगा सेल करेगा अब नाइन हंड्रेड बैग्स अब सेल करेगा अब बेटा मेरा यह कहना था कि उसकी कॉस्टिंग उसकी कॉस्टिंग एक हजार बैग की एक लाख रुपए थी उसमें से सौ तो फ्री चलेगी सौ तो फ्री चलेगी तो एक सिंपल सवाल है ओके नौ सौ बैग की यहां पे कॉस्टिंग नौ लाख ओके यहां पे नब्बे हजार हुई ओके तो ये बताओ कि ये जो सौ बैग्स उसने फ्री दी आई रिपीट सौ बैग्स उसने फ्री दी वो क्या करेगा ये सौ बैग्स का बोलो फटाफट फटा. ये सौ बैग्स का क्या करेगा क्या वो खुद बेयर करेगा खुद बर्डन लेगा क्योंकि उसने बिजनेस करने के लिए ये गिफ्ट दिया है तो क्या वो खुद ओके okay, यहां पे वो तो देता ये तो बहुत सालों से चालू है आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो स्टोरी में भी है कि गिफ्ट दो ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी आई थी गिफ्ट दे दे के बिजनेस किया उन्होंने तो ये सो बैग कैसे रिकवर करेगा इसकी कॉस्ट जो दस हजार रुपए है कैसे रिकवर करेगा क्या खुद बेर कर लेगा या क्या करेगा बोलिए मैं आपसे जवाब चाहता हूं जवाब दीजिए आप ऐसे चुप मत बैठिए ओके <laughs> okay, बोलिए बेटा ये सो बैग का क्या करेगा वो बोलिए फटाफट वो सेल करते टाइम रिकवर करेगा ओके okay, सेल करते टाइम रिकवर करेगा मतलब क्या मतलब ये कि नाइन हंड्रेड बैग्स का नाइनटी थाउजेंड और हंड्रेड बैग्स का हंड्रेड बैग्स जो उसने एज अ गिफ्ट एज अ टैक्स दिया एज अ टैक्स दिया गिफ्ट यानी क्या एक तरह का वो टैक्स ही था पहले ओके okay, काइंड में दिया जाता था मॉनेटरी टर्म में दिया जाता है तो वो एज अ टैक्स दिया तो क्या वो दस हजार रुपए इसमें ऐड कर देगा यस दस हजार रुपये ये एक लाख रुपए और यहां पे दस परसेंट का प्रॉफिट अगर वो ले रहा है तो प्रॉफिट दस परसेंट लेगा तो यहां पे ओके एक लाख का दस यानी दस हजार यानी यह ये माल बेचेगा एक लाख दस हजार में तो मेरा आपसे एक सवाल है क्या उसने ये बर्डन ओके हंड्रेड बैग्स का बर्डन क्या कस्टमर को पास ऑन कर दिया यस yes, बेटा कस्टमर को पास ऑन कर दिया मतलब क्या इनडायरेक्ट टैक्स जो बिजनेस टैक्स है जो गुड्स पे लगता है सर्विसेस पे लगता है कमोडिटी पे लगता है आगे मैं बताऊंगा तो बेटा ये टैक्स में ऐसा नहीं हुआ कि डिसाइडेड था कि नहीं ओके ये तो बर्डन पास ऑन करना चाहिए डायरेक्ट टैक्स का नहीं करना चाहिए ओके ये तो बिजनेस ने खुद डेवलप किया क्योंकि कोई भी प्रूडेंट बिजनेसमैन कोई भी यहां पे समझदार आदमी वो खुद ने बेयर करेगा वो बर्डन पास ऑन कर देगा ओके क्योंकि बिजनेस के लिए टैक्स दिया है कमोडिटी के लिए टैक्स दिया है सर्विसेज के लिए टैक्स दिया है पास ऑन कर देगा बस इतना ही है कि आज हम इसको अलग से लिखते हैं क्योंकि है तो बिजनेस टैक्स है तो बिजनेस टैक्स दिमाग में फिट कर लो इनडायरेक्ट टैक्स ही बिजनेस टैक्स है ओके okay, तो यहां बर्डन पास ऑन होगा इज इट क्लियर यस और नो आपको ये बात समझ में आ रही है ओके okay, तो पहले जो है ओके okay, तो ये इसलिए इंडायरेक्ट टैक्स जो है ये नेचर जैसा आपने कहा कि सर ये बर्डन पास ऑन होता है यस होता है ओके okay, और ये हमारे प्राइस में रिकवर हो जाता है चलो ओके okay, एक एग्जांपल पे आते आप अगर नेक्स्ट पेज पे आओगे तो ये एग्जांपल पे आते हैं ओके okay, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं मिस्टर ए सो देखो बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मिस्टर ए सोल्ड द गुड्स टू मिस्टर बी फॉर रुपीज़ वन लैक सेल्स टैक्स इज पेबल ऑन सच गुड्स सेल्स टैक्स है या टैक्स जो है टैक्स ऑन सेल अभी हम जीएसटी अवार्ड पे नहीं जाते है. पहले पुराने टैक्स कैसे थे और फिर जीएसटी पे आएंगे ओके okay, तो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है दस परसेंट से डिटरमाइन द टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए टू बी बहुत ही सिंपल है यहाँ टोटल प्राइस हम जो है निकाल लेंगे ओके okay, तो टोटल प्राइस क्या है बेटा यहाँ पे ओके okay, लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्राइस कैसे टोटल प्राइस आएगी ओके okay, आज हम टैक्स अलग से लिखते हैं ओके okay, तो यहां पे प्राइस ऑफ गुड्स एक लाख रुपए और उसके ऊपर सेल टैक्स एट द रेट टेन परसेंट कितना बेटा दस हजार रुपए टोटल कितना हुआ एक लाख दस हजार रुपए सिंपल सिंपल बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है सर ओके okay, इतना सिंपल ले रहे हो आप लेने तो दो धीरे धीरे देखो होता है क्या ये तो सिर्फ ट्रेलर है पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त ओके okay, तो अभी देखेंगे तो यहाँ पे एक लाख दस हजार रुपये आपकी टोटल प्राइस हुई ठीक है अब बेटा इसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा मुझे ये बताओ कि ये बंदे ने एक लाख का माल बेचा और दस टैक्स है दस हजार रुपए टैक्स है ठीक है वो यहां पे सेल कितने का बताएगा अब दो बातें होगी सुनना ये ओके एक, एक लास्ट डिस्कशन फिर हम यहां पे रुकेंगे बट बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं केस वन और केस टू सेल कितने से रिकॉर्ड करेगा बोलिए फटाफट एक लाख दस हजार बिल्कुल सही है आपका ओके सेल कितने से रिकॉर्ड करेगा बोलो फटाफट कितने से रिकॉर्ड करेगा सेल कितने से रिकॉर्ड करेगा किसी का कहना है एक लाख दस हजार ग्रॉस पे रिकॉर्ड करेगा किसी का कहना है सर नहीं सेल वो नेट पे रिकॉर्ड करेगा नेट पे रिकॉर्ड करेगा एक लाख और टैक्स पेबल अलग से बताएगा और ये टैक्स वो गवर्नमेंट को देगा दस हजार रुपए आ रही क्या मेरी बात समझ में आपको केस वैसे देखा जाए तो दोनों सही है अगर वो सेल ग्रॉस पे रिकॉर्ड करे एक लाख दस हजार तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस पे एक लाख दस हजार सेल रिकॉर्ड किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेगा टैक्स एक्सपेंसेस यानी ने नेट एक लाख ही आएगा पर इसमें फिर दो बातें होगी सेल ग्रॉस पे हुआ सेल ग्रॉस पे हुआ एक लाख दस हजार और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दस हजार रुपए एज एक्सपेंसेस क्लेम कर लिया नेट उतना ही आएगा अदरवाइज आप सेल्स जो है नेट पे ही रिकॉर्ड करो एक लाख और फिर इसका एक्सपेंसेस का क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि आपने सेल एक लाख से ही रिकॉर्ड की तो फिर ये तो आप अलग से दस हजार गवर्नमेंट को पे कर दो एज पर आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये मेथड सही है एज पर आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये मेथड सही है कि आप एक लाख सेल बताओ बाकी का डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर दो एज ए टैक्स पेबल इज इट क्लियर चलो अब मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मुझे सबसे आंसर चाहिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है okay, सबसे आंसर चाहिए देखो एक सेलर है एक सेलर है उसने बिजनेस किया और एक बायर है एक बायर है और वो गवर्नमेंट को और यहां गवर्नमेंट है जो बैठी है पैसा लेने के लिए उसने सेल किया गुड्स सेल ऑफ गुड्स हुआ इनवाइस बना भाई इनवाइस बनाया गया इनवाइस में वैल्यू लिखी गई एक लाख रुपए सेल्स वैल्यू और टैक्स लिखा गया दस हजार रुपए यहां तक तो सब ठीक है एक लाख दस हजार ये टोटल हुई चलो भाई ओके ये भी समझ में आ गया इसके आगे यह बंदेगा ट्रेडिंग इतना तो नॉलेज आपको होगा अगर आप कॉमर्स फील्ड में ट्रेडिंग एंड एंड लॉस अकाउंट बन रहा है यहां पे वो सेल्स रिकॉर्ड कर रहा है ये समझ लो उसका सेल्स का टर्न हो रहा है एक लाख रुपए एक लाख रुपए जिसका दस हजार रुपए टैक्स उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया दस हजार रुपए सप्लायर पे करेगा गवर्नमेंट को पेमेंट पे कर दिया और बर्डन पास ऑन कर दिया बायर को और बायर से पैसा ले लिया ओके बायर से पैसा ले लिया दस यानी उसको उसका पैसा मिल गया और बाहर को बर्डन पास ऑन हो गया इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे डोंट वरी फॉर दैट अभी तो बेसिक यही है ओके okay, तो ऐसे सिचुएशन में जब आप कोई गुड्स बा, बाय करते हो तो सेल्स टैक्स जीएसटी लग के आता है आपने मेरा क्लास लगाया तो जीएसटी लग के आता है अब ऐसे केस में बेटा एक लाख रुपए का उसने टर्न बताया फिर उसके जो भी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हो गए वो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस उसने क्लेम किए फिर उसका ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के उसने यहाँ पे क्लेम किए फिर उसका नेट प्रॉफिट ध्यान से सुनिएगा सभी खर्चे जाने के बाद सभी खर्चे जाने के बाद उसका नेट प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट बचा बीस हजार रुपये बीस हजार रुपये मेरा सिंपल सवाल क्या ये बीस हजार रूपए इनकम टैक्स आएगा क्या उसका प्रॉफिट है बीस हजार रुपये बिजनेस से इनकम टैक्स तो पर्सनल टैक्स है ऐसा आपका बोलना है मैंने तो कुछ नहीं कहा अभी तक ओके okay, तो क्या ये बीस हजार रुपए जो उसका नेट प्रॉफिट है इसके ऊपर इनकम टैक्स आएगा क्या बोली 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 आंसर दीजिए बेटा आंसर दीजिए आंसर दीजिए बेटा इनकम टैक्स आएगा कि नहीं आएगा मैं वेट करूंगा आपके आंसर का आना तो चाहिए दीपांशु मुक्ता यस वर्षा यस तन्मय सुनील यस 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 आना तो चाहिए चलिए यस बेटा इनकम टैक्स तो आएगा और ये इनकम टैक्स यस इनकम टैक्स इसके ऊपर लगेगा और वो इनकम टैक्स लगता है पीजीबीपी पीजीबीपी क्योंकि इनकम टैक्स पर्सनल टैक्स नहीं है वो टैक्स ऑन इनकम है बिजनेस से भी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन जो आपको नेट प्रॉफिट आया बिजनेस और प्रोफेशन उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा फिर जो भी आप टैक्स पे कर रहे हो उसके ऊपर लगेगा अब मेरा दूसरा सवाल आपके सामने है, और मुझे इसका आंसर चाहिए बेटा वो एक लाख पे मैं ऑलरेडी सेल्स टैक्स का हो या जीएसटी का हो कोई भी टैक्स का हो वो एक लाख पे गवर्नमेंट को, को दस हजार रुपए टैक्स दे चुका हो टोटल वैल्यू पे टोटल वैल्यू पे गवर्नमेंट को दस हजार दे चुका हो पैसा लेने वाली गवर्नमेंट ही थी उसी एक लाख में से जिसपे मैं टैक्स दे चुका हूं गवर्नमेंट को उसी एक लाख में से जब प्रॉफिट बचा बीस हजार रुपए सुनो मेरी बात सुनो बच्चों सुनो मेरी बात सुनो यहां पे कि उसी एक लाख में से बीस हजार रुपए प्रॉफिट बचा तो बीस हजार प्रॉफिट पे इनकम टैक्स लग रहा है तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि यह डबल टैक्सेशन हो रहा है क्या मैं यह कह सकता हूं कि डबल टैक्सेशन हो रहा है क्योंकि एक लाख पे मैंने इनडायरेक्ट टैक्स दिया गवर्नमेंट को और पास ऑन किया उसी एक लाख में से प्रॉफिट बचा बीस हजार रुपए तो यह बीस हजार रुपए जो प्रॉफिट बचा उसके ऊपर इनकम टैक्स लगा आपने कहा और वो लगता है मुझे बताया पीजीबीपी में तो क्या मैंने डबल टैक्स दे दिया सवाल आपसे है क्या मैंने डबल टैक्स दिया सवाल आपसे है नो सर यस सर नो सर यस सर शायद सर <laughs> आपके आंसर भी सही है नो सर यस सर शायद सर यस सर अच्छा जो नो no कह रहे हैं वो क्यों क्यों मैंने डबल टैक्स क्यों नहीं दिया भाई अरे ये एक लाख पूरे एक लाख पे ये टैक्स दिया और उसी एक लाख का ही बीस हजार पार्ट है उस पर गवर्नमेंट फिर से ले रही है अरे गवर्नमेंट तो मेरे को लूट रही है इस पर भी ले लिया इस पर भी ले लिया हेडेक हेडेक अभी कहा था किसी ने हेडेक गवर्नमेंट तो लूट रही है क्यों सर दीपांशु का कहना है सर गुड्स पर जो टैक्स लगा वो तो बायर ने दिया ना वेरी गुड सही आंसर है सर वन परसेंट वाला भी आएगा वो बाद में लेंगे में अभी बीच में मत करवा वो नहीं, नहीं मैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहा हूं ओके okay, मैं ये कह रहा हूं कि एक डायरेक्ट एक टैक्स लग रहा है और एक इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है नहीं इसका क्रेडिट क्रेडिट इनकम टैक्स वगैरह का नहीं मिलता है ओके डायरेक्ट टैक्स इनकम ये तो जो है ओके क्रेडिट कैंस बीच में लाओ ही मत क्रेडिट मतलब जो मैंने परचेस किया और परचेस पे जीएसटी लग गया है उसका क्रेडिट की बात करते हैं मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये टर्न ओवर पे हम मैंने टैक्स दिया और इनकम टैक्स लगा तो मैं यहाँ पे दीपांशु का आंसर लेना चाहूंगा दीपांशु का ये कहना है कि सर ओके okay, ये डबल टैक्सेशन नहीं है क्योंकि ये सेलर ने जो इस सेल पर दस टैक्स दिया वो तो बायर से लिया ना और जो एक लाख का बीस हजार प्रॉफिट बचा ये प्रॉफिट पे वो इनकम टैक्स दे रहा है वो अपने जेब से दे रहा है इनकम टैक्स ब, ओके तो सर वो सेलर अपने जेब से दे रहा है और ये बायर से ले लिया इसलिए डबल टैक्सेशन नहीं है दीपांशु मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं वो किसी से भी ले बायर से ले या फिर वो अपने जेब से दे मैं तेरी बात मानता हूं कि इसने बायर को पास ऑन कर दिया और इनकम टैक्स वो खुद अपने पॉकेट से देगा तो मेरा ये बात तेरी मानता हूं लेकिन मेरा सवाल क्या है तेरे से मेरा सवाल तेरे से यह है पर वैल्यू पे टैक्स तो लगाना दो बार वो दिया होगा बायर ने पर उस वैल्यू पे गवर्नमेंट ने दो बार तो टैक्स ले लिया ना एक लाख पे लिया और उसके बीस हजार पे लिया फर्स्ट प्रिंसिपल में देखा जाए तो यस yes, ये डबल टैक्सेशन है ये डबल टैक्सेशन है पर बेटा डायरेक्ट टैक्स अलग है इनडायरेक्ट टैक्स अलग है दोनों का ऑब्जेक्ट अलग है सर कैसे अलग है कैसे ये डबल टैक्सेशन है सर ओके okay, थोड़ा हमें समझाओ डायरेक्ट टैक्स के अपने अलग प्रिंसिपल है इनडायरेक्ट टैक्स के अपने अलग प्रिंसिपल है दोनों का ऑब्जेक्ट अलग है और हाँ ये दो बार टैक्स है वो पास ऑन किसी को भी हो दो बार टैक्स है पर दोनों के ऑब्जेक्ट अलग है तो सर बता दीजिए ऑब्जेक्ट क्या है और कैसे अलग अलग है क्या आपको ये जानना है डिटेल में जाना है पूरी हिस्ट्री में जाना है तो बेटा मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप भी सोचोगे कि अरे बाप रे ये तो पता ही नहीं था ओके ऐसा होता है तो बेटा मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट सेशन में आपको पूरी हिस्ट्री इसकी बताओगा चलिए ठीक है यहाँ रुकते हैं वैसे आपके कोई डाउट्स और क्वेश्चन हो तो मैं यहाँ ले लेता हूँ ऑनलाइन ओके कोई डाउट्स और क्वेश्चन होंगे वैसे तो मैंने आज कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं इन्फॉर्मेशन ही ज्यादा दिया ओके okay, पर नेक्स्ट सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है आप जरूर देखना चलिए नेक्स्ट सेशन में आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा कि क्यों वो डबल टैक्सेशन नहीं है सस्पेंस <laughs> okay, तो है सस्पेंस तो है ओके तो चलिए आपके कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं हो गए बहुत से डाउट क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो गए होंगे। अभी लेक्चर होने का डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक आ जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल का भी आ जाएगा शाम तक टेलीग्राम चैनल भी इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में शाम को देख लेना तो आपको आ जाएगा वो आपको मिल जाएगा जो भी मैंने कमेंट किया वो सब आपको मिल जाएगा और जो भी आप सवाल क्या करना कि मेरा सेशन होने के बाद कमेंट में आपके सवाल डाल देना वो अगर कमेंट में ओके लेक्चर होने के बाद कमेंट में मुझे लगा कि वो एंटरटेन करना चाहिए तो मैं जरूर करूंगा सो so, दोस्तों बाय थैंक यू मिलते हैं मंडे को शार्प टू ओ क्लॉक ओके okay, मंडे को शार्प टू ओ क्लॉक और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम आगे देखेंगे लाइव सेशन अभी महाराष्ट्र में नहीं पुणे तो बेटा हॉटस्पॉट है पुना तो हॉटस्पॉट है आज भी केसेस पुना में चल रही है मुंबई पुना तो नहीं खुलेगा आई डोंट नो राजस्थान में चल रहा होगा तो ठीक है पर मुंबई पुना तो लाइव ओके फेस टू फेस के लिए नहीं खुलेगा अभी फेस टू फेस के कोई भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है स्पेशली पुना में ओके okay, तो चलिए बेटा ये लेक्चर तो ठीक था मेरे हिसाब से ठीक था नेक्स्ट लेक्चर आप रियली really बहुत एंजॉय करोगे ठीक है चलो यहाँ रुकते हैं थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बाय बेटा